जी रिकॉर्डिंग शुरू रिकॉर्डिंग आरंभ हो रुद्र सर स्टार्ट यस यस सर सर ओके थैंक okay, यू तो सुप्रभात सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक कुमार सिंह ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और एक नए विषय के साथ विषय विशे विशेषज्ञ और नए नहीं, नहीं है आप सब बहुत परिचित हैं और सर को मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सुनना बहुत ही आनंद देता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसलिए मैं सर के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि तो सर को आप लोग इन कुछ दिनों मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जान गए हैं तो मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से सर का डॉक्टर राजीव कुमार रावत सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सर वर्तमान में आप लोग विद्यार्थियों और कोई नए विद्यार्थियों के बारे में बता देता हूँ सर वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे हम लोग आई आई के नाम से भी जानते हैं वहाँ पे बहतौर वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रूप में कार्यरत है और यही नहीं सर की विशेष रुचि अनुवाद में और साहित्य में बहुत रुचि है क्योंकि हम लोग देखते हैं सर मैं नॉर्मल सी बात कहता हूं अगर आपकी अनुमति हो क्योंकि नॉर्मल एक होता है ना सर जब हम लोग कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में तो रुक जाते हैं ज्यादा तो देखते हैं शायद आप भी इससे मेरी बात से सहमत होंगे इंसान अचीव करने के बाद रुक जाता है वो पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को अपने रोक देता है लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया ये हमें हमारे ज्ञान में निरंतर बहुत वृद्धि करती है जो शुरुआत होती है जो बचपन में लोग किस आ जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे नौकरी पा जाओगे कला है ना वो एक बहुत, 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 बहुत सीखी जा सकती है। इसका आप सर बहुत अच्छा उदाहरण हो जिससे मुझे बाकीयों का नहीं पता मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि साहित्य से इस मतलब इतना आगे बढ़ने के बाद लाइफ में अचीव करने के बाद एक अच्छे पद होने के बाद भी आपने साहित्य के प्रति अपने प्रेम को कभी मारा नहीं या दूर नहीं किया निरंतर आप बने हुए हैं तो सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की कक्षा को सर आरंभ करें धन्यवाद सर अभिषेक जी नमस्कार और बाकी सभी लोग उड़ीसा राज्य विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय की टीम के सभी लोगों को मेरा नमस्कार सभी को हार्दिक आभार जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है हमारी आज की कक्षा में हम लोगों को लेना है कलम का सिपाही कलम का सिपाही ये प्रेमचंद जी की जीवनी है जीवनी जैसा कि जब हम पिछले हफ्तों में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि जीवनी में और आत्मकथा में क्या अंतर है मैं थोड़े से सारांश में आज फिर बताऊंगा कि आत्मकथा क्या है आत्मकथा किसी व्यक्ति की अपने बारे में लिखी हुई कथा है आत्म जैसा कि स्वयं स्पष्ट है कि आत्मकथा क्या होगी आत्मकथा कि जो मेरे बारे में मैं स्वयं लिख रहा हूं तब वह आत्मकथा होती है आत्मकथा में क्या होता है कि आत्मकथा में जो आदमी जीवन जी रहा है वही उस जीवन की कथा लिख रहा है तो उसके लिखने में उसका पूरा का पूरा युगीन बोध जो जिस युग का वह व्यक्ति है आत्मकथा लेखन में वह पूरा का पूरा इतिहास पूरा युग बोध उस समय की समसामयिक घटनाए ये सब व्यक्ति जैसी जी रहा होता है या जी चुका होता है वो उनको शब्द देता है इसके थोड़ा सा अलग जीवनी क्या है जीवनी किसी व्यक्ति की जी हुई जिंदगी को कोई दूसरा व्यक्ति जब अपने शब्द देता है तो वो उसकी जीवनी होती है वो उसकी जीवनी होती है जीवनी लिखने वाला हो सकता है लेखक ना हो जीवनी लिखने वाला हो सकता है सिर्फ रिपोर्टर हो जीवनी लिखने वाला हो सकता है कि बहुत छोटा सा उसका कोई साहित्य अवदान हो या जीवनी लिखने से पहले उसकी साहित्य में कोई रुचि या अभिरुचि या उसकी कोई विशिष्ट स्थिति न रही हो आत्मकथा आपने बहुत से लोगों की देख ली मैंने उस दिन भी बताया था बड़ी अच्छी अच्छी आत्मकथाएं हैं आप निश्चित ही अपने परीक्षाओं के जब दबाव से मुक्त हो जाएं तो और साहित्य में जो कुछ भी आप पढ़ना चाहें पढ़ें लेकिन मेरा अपना परामर्श आप सभी विद्यार्थियों को अपने सभी सहकर्मियों को ये रहेगा कि आप कम से कम कम से कम दस बीस आत्मकथाएं जरूर पढ़ें। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कोई मेल करना मैं आपको दस पंद्रह बीस आत्मकथाओं की सूची दूंगा तो वो पढ़ने के बाद अपनी आप आपकी रुचि जागृत होने लगेगी साहित्य पठन में साहित्य की समझ बढ़ेगी इसी प्रकार जीवनी से क्या होता है कि जीवनी कोई भी व्यक्ति एक बहुत बड़े महान साहित्यकार की या महान राजनीतिज्ञ की महान नेता की महान फिल्मकार की जीवनी हो सकती है जीवनी लिखने का अर्थ यह है कि पर काया प्रवेश दूसरे व्यक्ति की काया में प्रवेश करना यानी कि जीवनी लिखने वाले व्यक्ति ने यह जीवन नहीं जिया है आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति ने वो जीवन जिया था जिसके बारे में उसने लिखा है लेकिन जीवनी लिखने वाले व्यक्ति जो जीवनी लिख रहा है उसने वह जीवन नहीं जिया है उसने उस व्यक्ति के बारे में कुछ सुना है कुछ देखा है कुछ पढ़ा है हो सकता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की जीवनी लिख रहा हो जिसको कि उसने देखा भी नहीं है इस मामले में तो चलो यह है कि अमृत राय जी प्रेमचंद जी के पुत्र थे यह एक तथ्य है लेकिन जीवनी लेखन के ऐसे भी उदाहरण हैं कि लोगों ने उनकी भी जीवनी लिखी है जिनका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं भी रहा है या जिनका इंतकाल जिनका स्वर्गवास उनके पैदा होने से पहले भी हो चुका है तो जीवनी का जो लेखन है वो कुछ थोड़ा अलग तरह का जैसे विवेकानंद की जीवनी बहुत से लोगों ने लिखी है बहुत से लोगों ने लिखी है लेकिन विवेकानंद को उन सब लेखकों ने नहीं देखा तुलसीदास की जीवनी आ, इनके अमृतलाल नागर की अपनी आत्मकथा के साथ साथ चलती है एक बड़ा अच्छा प्रयोग था वो भी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा और तुलसीदास की जीवनी को साथ साथ लेके चले अमृत और विश्व में यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने सिर्फ एक ही किताब लिखी और वो अपने साथ रख रहे हुए किसी एक व्यक्ति के बारे में ही लिखी और वो उसकी जीवनी बन गई तो हमारे हिंदी साहित्य के हिंदी कथा साहित्य के हिंदी उपन्यास साहित्य के हिंदी की बहुत सी विधाओं के जो एक सर्वमान्य हस्ताक्षर रहे मुंशी प्रेमचंद जी उनकी जीवनी के ऊपर आज की चर्चा का विषय है जो कि उनके पुत्र ने छोटे पुत्र ने प्रेमचंद के दो पुत्र थे उनके पुत्र ने प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा है तो ये एक संयोग है और यह जीवनी इसीलिए सारी जीवनियों में सबसे ज्यादा प्रामाणिक दो जीवनी मानी जाती हैं प्रेमचंद जी की एक उनके पुत्र द्वारा लि... लिखी हुई कलम का से दूसरी कुछ प्रसंगों को पूरी जीवनी नहीं बहुत सारे अच्छे पूरे प्रसंगों को लेके जो प्रेमचंद जी की पत्नी थी शिवरानी देवी उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रेमचंद घर में यानी कि जो उनके पति पत्नी का जीवन उनके साथ साथ जो बीचा बीता था उसके विषय में जो उनके अपने अनुभव थे उनको शब्द दिए शिवरानी देवी ने। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि मेरा एक छोटा सा पहले एक प्रेजेंटेशन देखें और मेरी आपके प्रोफेसर अभिषेक जी से, से भी थोड़ी देर पहले इसी संदर्भ में बात हुई थी क्योंकि प्रेमचंद की जीवनी और वो भी उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है मेरे ख्याल से करीब 700 700 पेज की जीवनी है यद्यपि आप लोगों के पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की जीवनी का वह अंश है जिसमें कि उनका पत्रकारिता का स्वरूप आया है पत्रकारिता वाला अंश आपके पाठ्यक्रम में है लेकिन मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप प्रेमचंद की जीवनी को पूरा पढ़ें तो मैं पत्रकारिता कालखंड को तो लूंगा ही हमने ये निर्धारित किया कि हम प्रेमचंद की जीवनी के बड़े जो अच्छे प्रसंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको शामिल करेंगे तो आपका पाठ्यक्रम भी आएगा और ऐसे महान साहित्यकार के विषय में जानकारियां होने से जानकारी बढ़ने से आपको कुछ पूरे जीवन की भी जानकारी मिलेगी ठीक है तो मैं आपको यहां से शुरू करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन पहुंच रहा है सर आपके स्क्रीन दिख रही है सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है सर अभी शुरू हुआ आ, सर एक सेकंड सर हाँ सर हाँ सर हो गया सर प्रेजेंटेशन मुझे वही स्क्रीन दिख रही है सर आपका पीपीटी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर नहीं ये मैंने पीपीटी शेयर किया है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ uh, नहीं सर नहीं सर आप सर ने आपने मिनिमाइज सेट किया हुआ है आपने पीपीटी को सर नहीं नहीं तो मैंने, बड़ा मैंने बड़ा किया हुआ मैंने बड़ा किया हुआ मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हूँ और ये दिखा रहा है शेयरिंग और एक बार ट्राई कीजिए और एक बार अच्छा मैं दोबारा मैं दोबारा हाँ हाँ यू आ रहा था यू आर प्रेजेंटिंग

वह रेडियस है त्रिज्या है मैं समझ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका सॉफ्टवेयर आपका सेला 2 कुल मान ऑफ 6000 ऑर्डर जनरेट करने के बारे में जानना चाहते हैं तो यह जो पार्टी है है कि लगभग जो प्रोसेस की इन वर्ल्ड वेरी स्पेसिफिक ये आज आ क्यों नहीं रहा है इसमें ये तो जा रहा था जी जी सर इधर जो काम के लिए आप मेल कर कोई दूसरा एक मिनट कोई कोई दूसरा आदमी प्रेजेंटिंग कर रहा है उसको रोकिए साई कृष्णा मल्लिक जी जी आ, साई कृष्णा मल्लिक काइंडली स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन साई कृष्णा मल्लिक जी अपने स्क्रीन को स्टॉप शेयर कीजिए आपने अपना स्क्रीन को प्रेजेंट कर रखा है इस वजह से पीपीटी सामने नहीं दिख रहा है हाँ उनका प्रेजेंटेशन रुकेगा तो आएगा जी जी साई कृष्ण मलिक जी अगर मेरी आवाज जा रही हो आपको तो अपने स्क्रीन को प्रेजेंट करने से स्टॉप करें आप देख रहे होंगे हाँ एक ऑप्शन है स्टॉप का हाँ अभी शायद हो गया हाँ बंद हो गया जी जी सर अब आप शेयर कीजिए एक बार सर

ये प्रेजेंटेशन को ऑन करना है ना जी सर प्रेजेंट नाउ करना है पहले आप प्रेजेंट नहीं तो प्रेजेंट को ओपन करके रखना है या बंद करके रखना है सेलेक्ट जाएगा वहां से अभी तो आज तो नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों नहीं सर आप जब प्रेज पहले सर हाँ आया प्रेजेंट आया, प्रेजेंट आया, आया आया अभी आया अभी आप देखिए पहुंचा हाँ सर हाँ एक सेकंड सर हो रहा है प्रेजेंटिंग लिख रहा सर आ गया सर हाँ हाँ तो ये तो मैं मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा आप जरा सुनते चलिएगा ये प्रेमचंद की कलम का सिपाही आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये अमृत राय जी जो कि स्वयं बहुत बड़े कथाकार रहे हैं उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी के द्वितीय पुत्र इन्होंने इस जीवनी को लिखा है प्रेमचंद ने अपने विषय में स्वयं ये लिखा है कि मैं एक मजदूर हूं उन्होंने अपने को कलम का सिपाही नहीं माना है उन्होंने अपने आप को मजदूर माना है कि मैं एक मजदूर हूं और जिस दिन कुछ लिख न लू उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं और इस जीवनी को उनके पुत्र ने देश की जवान पीढ़ी को समर्पित किया है इस पुस्तक को आ, आप लोग देख रहे हैं ये प्रेमचंद का एक ये क्या है ये डूगल जैसा देख रहे हैं ये डूडल देख रहे हैं जहां मेरा ये कर्सर घूम रहा है जी 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 सर कोई बता सकता है आप लोग में से अपना नोट करके मुझे जवाब दीजिएगा अपने बॉक्स में ये क्या है और बाद में मुझसे पूछना कि ये मैंने किस चीज के ऊपर अपना कर्सर घुमाया था एक हमारा शास्त्र का श्लोक है कि जयंत ते शुक्र तनोरसिद्धा कविश्वराह नाश्ते एशाम यश कायो जरा मयम ये कवि के लिए जो शुक्रत रस सिद्ध लोग हैं यश हैं ये सब लोगों के लिए एक सुहासित हैं उनकी जय होती है अब प्रश्न ये था मैंने आपसे कहा था कि प्रेमचंद ने स्वयं अपने विषय में आत्मकथा क्यों नहीं लिखी उनके पुत्र को लिखनी पड़ी उनकी जीवनी उनकी पत्नी ने लिखा प्रेमचंद घर में तो प्रेमचंद ने स्वयं अपने बारे में लिखा है स्वयं ये उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इसको उद्धृत किया है उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखने के विषय में उद्धृत किया है कि कोई कलाकार अपने कलाकृति से दूर नहीं होता शायद इसी वजह से बाबू ने कवि रविंद्रनाथ टैगोर से कहा था कि अपनी आत्मकथा लिखकर मैं लोगों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता जो मुझे जानना चाहता है वो मुझे मेरी रचनाओं में देख सकता है क्या मैं वहां नहीं हूं तो मैं उनके लिए एक पुस्तक और क्यों बढ़ाऊं इसलिए उन्होंने सारा का सारा अपना ध्यान अपनी कहानियों अपने उपन्यासों अपनी अन्य रचनाओं में लगाया बजाय इसके कि वो कोई अपनी आत्मकथा लिखते प्रेमचंद स्वयं लिखा है कि जीवन से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है न कोई वेद न कोई शास्त्र न कोई साधु न कोई संत प्रेमचंद विशेषज्ञ के रूप में हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें आज के युग में एक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी हैं आप लोग शायद परिचित होंगे ये मेरा सौभाग्य है कि वो उनका विशेष आशीर्वाद मुझे मिलता है हम जब भी मिलते हैं बहुत सी बातें उनसे पुरानी छुई अनछुई यानी कि आप ये जान लीजिए कि प्रेमचंद विशेषज्ञ के रूप में कमल किशोर गोयनका जी को प्रेमचंद का वॉसवेल कहा जाता है जेम्स वॉसवेल का नाम यदि किसी ने न सुना हो तो मुझसे प्रोग्राम के बाद में पूछ लीजिएगा कि प्रेमचंद का वॉसवेल कमल किशोर गोयनका जी को क्यों कहा जाता है ये इनका पता भी मैं इसमें दे रहा हूँ तो अभिषेक जी प्रोफेसर अभिषेक जी एवं अन्य से मेरा निवेदन है कि यदि कोई वास्तव में प्रेमचंद के विषय में और अध्ययन करना चाहे तो वो उनसे संपर्क कर ले अपना परिचय दे और मेरा परिचय दे दे कि सर ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर राजीव रावत ने खड़गपुर से या प्रोफेसर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी ने कोलकाता से आपका नाम दिया है और मैं प्रेमचंद के संबंध में ये चीज जानना चाहता हूँ या आप उनको मेल कर दें तो वो आपकी बात का उत्तर देंगे फोन करना थोड़ा सा थोड़ा सा असहज हो जाता है व्यक्ति कहाँ पर है किस परिस्थिति में है तो आपके फोन का उत्तर दे पाए ना दे पाए लेकिन आप अगर उनको मेल करेंगे तो वो आपको मेल का उत्तर देंगे इनका सबसे बड़ा अवदान यह है कि इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया है जिसकी कि इस ग्रंथ की की समीक्षा भी है और देवी नागरानी ने की है ये भी मैंने आपको एक संदर्भ उपलब्ध करा दिया है पत्रकार प्रेमचंद का जो आज का हमारा विषय है उसके बारे में मैंने इसमें कुछ बहुत छाट छाट के वो चीजें लिखी हैं कि प्रेमचंद और पत्रकार का पत्रकार के रूप में उनका क्या विचार था जैसे कि 10 मार्च 1930 को जब हंस का प्रकाशन शुभारंभ हुआ तो उन्होंने उसको साहित्यिक साहित्यिक नहीं, की पत्रिका के रूप में स्वीकार करके उसको प्रारंभ किया था और जब पहला उसका अंक निकला था तो उसके संपादकी में प्रेमचंद ने लिखा था कि ये हंस भी मानसरोवर की शांति छोड़कर अपनी नन्ही सी चोच में चुटकी भर मिट्टी लिए हुए समुद्र पाठ ने आजादी की जंग में योगदान देने चला है साहित्य और समाज में वह उन गुणों का परिचय करा ही देगा जो परंपरा ने उसे प्रदान किए हैं तो ये ऐसा क्यों लिखा उन्होंने मानसरोवर की शांति ऐसा माना जाता है कि जो हंस होते हैं वो मानसरोवर में रहते हैं मानसरोवर कहाँ अगर आज के हिसाब से देखें तो कहीं तिब्बत नेपाल के उस जंक्शन में मानसरोवर है हिमालय के उस ऊंची चोटी पर। तो हमारी साहित्य अवधारणाएं हमारी धार्मिक कहानियां हमको मानसरोवर के हंस के रूप में बहुत सी कहानियां देती हैं। तो मानसरोवर के हंस को माना जाता है परम शांति का प्रतीक मानसरोवर हमारी भारतीय न कि साहित्यिक परंपरा में बल्कि दार्शनिक परंपरा में भक्ति परंपरा में मृत्यु और मोक्ष की परंपरा में भी मानसरोवर का बहुत बड़ा महत्व है तो मानसरोवर को मोक्ष का जीवन की परम शांति का भी प्रतीक माना जाता है तो हंस वहां रहते हैं तो वहां की शांति को छोड़ के वो हंस छोटी सी अपनी चोंच में और मिट्टी लेके दहाड़ते हुए समुद्र को पाटने के लिए निकला है तो कितना बड़ा भाव प्रेमचंद जी ने व्यक्त किया है कि यदि वो चाहते तो अपनी नौकरी में या जहाँ परम शांति उनको मिल सकती थी वो वहां पे भी अपना जीवन काट सकते थे लेकिन नहीं क्योंकि उनके अंदर एक राष्ट्रीयता का बोध था गांधी जी के उस समय का प्रभाव था विश्व युद्ध के प्रभावों का भी वो उनके अंदर विचार चलता रहता था देश की दासता भी उनको परेशान करती थी मजदूर स्त्री, समाज की जो कुछ भी वहां सामने था, प्रेमचंद जी हर भावना से हर विपर्य से हर विद्रुपता से हर द्वंद से असंप्रक्त नहीं हो सकते थे इसलिए उनकी लेखनी चलती थी और उसके लिए उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों के अतिरिक्त पत्रकारिता का स्वरूप भी स्वीकार किया अपनाया उसमें भी उन्होंने हाथ अजमाया ऐसा कह सकते हैं यद्यपि बहुत से विद्वान ये मानते हैं एक अनाम शरण बबल नाम के विद्वान है जिन्होंने की एक बहुत बड़ा शोध प्रबंध लिखा है इसी विषय को लेकर प्रेमचंद के पत्रकार स्वरूप को हमारे साहित्यकारों ने क्यों नहीं सामने आने दिया तो कभी आप उसको भी जिनकी रुचि हो वो इनको भी पढ़िएगा पत्रकार की एक अलग ही महत्ता होती है पत्रकार की एक अलग ही शक्ति होती है कथाकार लेखक अपने आप में शक्ति संपन्न हो सकता है समाज का मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो सकता है लेकिन पत्रकार अपने आप में एक संस्था बन जाती है जैसे आ, हमारे बहुत से स्वतंत्र सेनानियों ने पत्रकारिता का धर्म निभाया है चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हों चाहे वो महामना मदन मोहन मालवीय जी हों आपको ध्यान है महाना मालवीय जी ने कई पत्रों का संपादन किया था और वहां से जो उनको राष्ट्रप्रेम के रूप में उन्होंने पूरे जो समाज का जागरण किया था एक मंच पूरे समाज को लिया दिया था राष्ट्रीय चर्चाओं के लिए इसके बाद ही उनकी इतनी ख्याति हुई थी कि जब वो चंदा मांगने निकले तो उनको उस जमाने में करोड़ों रुपए का चंदा मिला था आज से करीब सौ वर्ष पहले की बात हो गई लगभग लगभग उस समय जो चंदा उनको मिला था उससे उन्होंने बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो पत्रकार प्रेमचंद का भी स्वरूप बहुत प्रखर बहुत आत्मसम्मान का और बड़ी ही तेज धार लेखनी के साथ उन्होंने अपने पत्रकार स्वरूप का निर्वाह किया था कितनी ही पत्रिकाओं का संपादन किया माधुरी और हंस तो किया ही किया और ये पत्रिकाएं उनकी राष्ट्र जागरण की संवाहिकाएं थी इनका पैसा कमाना नहीं था प्रेमचंद ने निगम साहब को जो पत्र लिखे हैं आप उनको देखिए कि कितनी कितनी उसमें अगर देखा जाए तो विपन्नता का भी प्रसंग आता है कि अरे भाई मेरे पास कुल दो सौ रुपए हैं मेरे पास इतनी कम किसी डॉक्टर को जब वो दिखाने गए और उन्होंने कहा कि आपके पाँव में जो छाले पड़ गए हैं और ये आपका जो पुराना जूता है इसकी वजह से पड़े हैं अच्छा मुलायम जूता पहनिए तो प्रेमचंद के पास उस समय सात रुपए नहीं थे जूता पहनने के लिए शायद हरिशंकर परसाई का एक व्यंग किसी ने आपने पढ़ा हो प्रेमचंद के फटे जूते देखिएगा तो प्रेमचंद की पत्रकारिता का सरोकार क्या था वो मैंने इस स्लाइड में दिया है आप उसको पढ़िएगा और मैंने लिंक भी दिया है जहां से आप इस चीज को और बेहतर पढ़ सकते हैं प्रेमचंद ने हमेशा अपनी रचनाओं में एक प्रगतिशीलता का मापदंड हमेशा रखा उनकी लेखन की जो मानसा थी जो उनकी निर्जरणी जो बहती थी उनके अंदर वो लिख क्यों रहे हैं। तो प्रेमचंद किसी भी बंधन को मानने वाले नहीं थे उनको कोई भी गुलामी पसंद नहीं थी उनको कोई भी जो जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास कहते हैं या कुरीति कहते हैं कुप्रथा कहते हैं या जो ऐसी दम घोटू परंपराएं हैं जिनमें कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो दबता हो जिनमें कि व्यक्ति की व्यक्ति होने की अस्मिता का होता हो, ऐसी कोई भी भी चीज़ चाहे वो कितनी भी पवित्र हो, चाहे वो कितने भी पवित्र पात्र के मुंह से वो बुलवाएं, लेकिन वो उस बंधन को तोड़ते थे वो हर उस अहंकार के शीर्ष को ललकारते थे जो उनकी प्रगति में बाधा बनता था जो व्यक्ति को व्यक्ति मानने का विरोधी था जो व्यक्ति को उसकी मानव अस्मिता से नीचे गिराता था प्रेमचंद उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर चोट करते हैं आपको ध्यान है गोदान में एक पात्र ब्राह्मण पात्र है और वो ब्राह्मण पात्र के मुंह में प्रेमचंद दलित को गाली स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो प्रेमचंद ने उस ब्राह्मण पात्र के मुंह में हड्डी डलवा दी और कहा है कि अब तुम दलित हुए अब 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 हमारी तरह से सोच को अब हमारा अब इससे विवाह करो तो प्रेमचंद विद्रोह के प्रतीक हैं और पत्रकार हमेशा पत्रकार विद्रुपता को उठाने का काम करता है विसंगति को शब्द देने का काम करता है वंचित को घूंगे को पानी देने का काम करता है तो प्रेमचंद की पत्रकारता स्वरूप में प्रेमचंद ने यह बखूबी दिखाया है बखूबी धर्म निभाया है मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे एक आ, कानपुर के एक पत्रकार साहित्यकार कवि वरिष्ठ मित्र हुआ करते थे प्रमोद तिवारी जी वो उन्होंने एक अपनी चार पंक्तियां लिखी थी कि पत्रकार कौन होता है और पत्रकार क्या नहीं होता है मैं कौन हूं उन्होंने ये अपने विषय में लिखा था कि मैं तुलसी कबीर का वंशज हूं मैं तुलसी कबीर का वंशज हूं तुम्हें अखबारों में नहीं मिलूंगा यानी कि आज के जो अखबार के पत्रकार हैं, ये हर युग में रहा है कि चाटुकारिता पत्रकारिता रही है सत्ता को प्राप्त करने का साधन पत्रकारिता रही है दूसरों का भयादोहन करने का साधन भी पत्रकारिता रही है तुम तो हमको ये कर दो वरना हम तुम्हारे बारे में अखबार में लिख देंगे ये डरावना भी पत्रकार होता है तो उन्होंने लिखा कि मैं तुलसी कबीर का वंशज हूं यानी सच कहता हूं तुलसी ने सच कहा किस तरह से सच कहा तुलसी ने समाज को जोड़ने के लिए सच कहा मर्यादाओं का उत्तंग शिखर स्थापित करने के लिए सच लिखा तुलसी ने जो लिखा और कबीर ने कबीर ने समाज के किसी पात्र की बड़े से बड़े शक्ति की चट्टानों की पहाड़ों की भी तेज धार की कबीर ने कभी चिंता नहीं की सांप्रदायिकता की चिंता नहीं की धर्म के ठेकेदारों की चिंता नहीं की किसी भी बंधन को कबीर ने नहीं माना हर कुरीति पर हर गलत परंपरा पर कबीर ने पांव से चोट की तो उन्होंने लिखा कि तुलसी कबीर का वंशज हूं मैं तुम्हें अखबारों में नहीं मिलूंगा क्यों मैं तुलसी कबीर का वंशज हूं तुम्हें दरबारों में नहीं मिलूंगा यानी मैं किसी की चाटु कार्यता करते हुए नहीं मिलूंगा तुमको मैं तुलसी कबीर का वंशज हूं तुलसी कबीर का वंशज हूं तुम्हें दरबारों में नहीं मिलूंगा और क्या मैं एक सच्ची घटना हूं जो है सच हूं तुम्हें अखबारों में नहीं मिलूंगा यानी कि अखबार की बात को सच कभी मत मानिएगा तो इसीलिए प्रेमचंद को इकबाल का यह शेर बहुत पसंद था कि जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोटी उस खेत के हर खेश एक गंदुम को जला दो फारसी के शब्द में इसका हिंदी अर्थ आपको बता दूं कि जिस खेत से दहकान को दहकान कहते हैं किसान अगर किसी खेत से उस खेत में हल चलाने वाले किसान को अगर रोटी मयसर अगर रोटी नहीं मिल रही है तो उस खेत के हर खेश एक गंदुम को जला दो अगर उस खेत में जो कुछ भी फूल पत्ती पौधे पेड़ फसल जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसको जला दो अगर वो खेत अपने हल चलाने वाले किसान को रोटी नहीं दे सकता है. तो ये विद्रोह का स्वर एक पत्रकार का था प्रेमचंद के पत्रकार स्वरूप का था संघर्ष की चेतना का प्रतीक थे प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद के बारे में एक स्लाइड है इसको आप पढ़ लीजिएगा ये मैंने एक बहुत छोटा सा इसलिए रखा था कि बाद में आप इसको आराम से देख सकें पढ़ सकें और यह आपके काम आएगा इसमें मैंने प्रेमचंद को समेटने का प्रयास किया उसके पत्रकार स्वरूप को जो कि आपके सिलेबस में ठीक है थीके? अब मैं आपके पास आता हूं प्रेमचंद के कुछ और प्रसंगों के साथ मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन में आपसे चर्चा की थी आ, प्रोफेसर कमल किशोर जी की उनका संपर्क है अगर आप उन्हें मेल लिखें या मुझे मेल लिखें हम आपको जवाब देंगे प्रेमचंद के बारे में कोई भी चीज है तो एक चर्चा की थी मैंने जेम्स वॉसवेल के बारे में वॉसवेल प्रेमचंद जी का वॉसवेल कहा जाता है प्रोफेसर कमल किशोर गोयनकर जी को क्योंकि उन्होंने प्रेमचंद के विषय में इतना लिखा है कि उनके विषय में कोई भी पक्ष अछूता नहीं रह गया है ठीक है अब कलम का सिपाही में आप देखेंगे प्रारंभ के प्रश्नों में ही अमृत राय जी ने लिखा है मुझे किसी एक आपके विद्यार्थी ने फोन भी किया था मैं जानता नहीं कि अभी वो क्लास में है कि नहीं प्रेमचंद ने इसमें एक जगह लिखा था कि मैं अपने बारे में कि मैं जो है नदी किनारे का नरकुल हूं और मेरे अंदर से तो जो हवाएं गुजरी हैं मैं उन हवाओं से जो भी आवाज पैदा हुई है मैं बस वो लिखता रहा हूं अब एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि नरकुल क्या है तो इसमें थोड़ा सा कुछ विद्वानों का मत है कि नरकुल कहते हैं नारियल को प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं नरकुल का पेड़ हूं या नरकुल पेड़ भी शब्द प्रयोग नहीं किया है उन्होंने लिखा है कि और सच तो यह है कि अगर ऐसी कुछ बात ही न आ पड़ती तो लेकिन उससे पहले प्रेमचंद अपने ही जीवन के विषय में क्या लिखते हैं अमृत राय जी ने जिसको शब्द दिए हैं कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है ये कौन कह रहे हैं ये प्रेमचंद जी अपने बारे में शुरू शुरू में जब उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया था 1901 में और उसी समय जब उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया था कुछ एक आधा किताब उनकी आने लग गई थी उस समय उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं लिखूंगा क्या और अमृत राय जी ने अपनी भूमिका में इसको शब्द दिए क्या लिखा उन्होंने कि मैं मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है भाई जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा होगी तो ये कैसा उन्होंने क्यों लिखा ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा कि अधिकांश आदमी साहित्य पढ़ने एक मन एक धारणा बनाकर आता है कि मुझे साहित्य पढ़ना है कि मुझे साहित्य में से कोई ज्ञान मिलेगा कोई बड़ी चीज मिलेगी कोई थ्रिल मिलेगा जैसे आज तो साहित्य तरह तरह का लिखा जा रहा है अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है तो अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है तो उसमें आप छांट सकते हो कि मुझे सौंदर्य पढ़ना है मुझे तिलिश्म पढ़ना है मुझे जासूसी पढ़नी है मुझे प्रेम पढ़ना है मुझे दर्शन पढ़ना है यानी कि आप उस हिसाब से अपने साहित्य की छटाई कर सकते हो लेकिन प्रेमचंद क्या कहते हैं कि भाई मेरे लिखे हुए में आपको बिल्कुल समतल मैदान मिलेगा गड्ढे जरूर मिलेंगे गड्ढे का अर्थ क्या है जीवन की उसके दौर की समाज की विकृतियां विसंगतियां उस दौर की इसलिए उन्होंने आगाह किया है अच्छा इसीलिए उनके आगाह करने के बाद उनकी जो सरलता है प्रेमचंद ने बहुत साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया कहीं से बहुत दूर दूर से पकड़ के बहुत बड़े बड़े शब्द वो बना के नहीं लाए उन्होंने बहुत कठोर विज्ञान सम्मत वाक्य विन्यासों का भी प्रयोग नहीं किया जैसा जीवन उनका था जिस समाज के वो अंग थे वो उन्होंने उस रूप में सामने रख दिया और इसी को स्पष्ट करते हुए अमृत राय जी ने लिखा है कि और सच तो यह है कि अगर ऐसी कुछ बात ही न आ पड़ती तो शायद उस व्यक्ति ने अपने बारे में इतना भी न लिखा होता ऐसा उनको क्यों लिखना पड़ा तो कलम के सिपाही में अमृत राय जी ने लिखा है कि लोग उनसे कहते थे अरे भाई बढ़िया साहित्य लिखिए अच्छा साहित्य लिखिए प्रेम लिखिए प्रसंग लिखिए यात्रा संस्मरण लिखिए आत्मकथा लिखिए आप जहां नौकरी कर रहे हैं उसकी चीजें लिखिए ऐसा कुछ हर आदमी के ऊपर दबाव आता है ना तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि अगर ऐसी कुछ बात ही ना आ पड़ती तो शायद उस व्यक्ति ने अपने बारे में इतना भी ना लिखा होता कोई पूछता तो शायद वह कह देता मेरी जिंदगी में ऐसा है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं बिल्कुल सपाट समतल जिंदगी है वैसी ही जैसी देश के और करोड़ों लोग जीते हैं एक सीधा साधा गृहस्थी के पचड़ों में फंसा हुआ देखिए शब्दों पर जाइए अभी तो खैर आप में तो बहुत सारे अभी अपने बचपन में और विद्यार्थी जीवन में ही होंगे लेकिन जो भी लोग और अगर हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं तो देखिए कितनी अच्छी बात प्रेमचंद ने कितने सरल शब्दों में लिख दिए कि एक सीधा साधा गृहस्थी के पिछड़ों में फंसा हुआ तंग दस्त मुदर्रिस मुदर्रिस कहते हैं अध्यापक को तंग दस्त मुदर्रिस जो सारी जिंदगी कलम घिसता रहा इस उम्मीद में कि कुछ आसूदा हो जाए आसूदा कहते हैं कुछ अच्छा हो जाए कुछ फल मिल जाए जैसे हमने जमीन जोती है इसमें कुछ आसूदा हो यानी इसका कुछ फल प्राप्त हो जाए कुछ बढ़िया इसका परिणाम आ जाए कुछ आसूदा हो जाए हो सकेगा मगर ना हो सका ऐसा कुछ हुआ नहीं ऐसा वो अपने बारे में कह रहे हैं कि कुछ आसूदा हुआ नहीं तो उसमें क्या है जो मैं किसी को सुनाऊ मैं तो नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल हूं हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज पैदा हो जाती है यानी कि जब नदी के किनारे जो पेड़ खड़ा होता है नरकुल का अगर हम उसको नारियल का वृक्ष मान लें तो नारियल का वैसे वो है नहीं क्योंकि मेरी कई विद्वानों से इस विषय में बात होती रही है तो प्रेमचंद जहां के निवासी हैं, यानी बनारस का वह क्षेत्र लम्ही बनारस गोरखपुर जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही काम करने के दौरान वहां कहीं समुद्र नहीं है और बहुदा नारियल का पेड़ समुद्री पेड़ है समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में होता है तो वहां नदियों के किनारे जो नदी छोटी छोटी नदियां उस क्षेत्र में हैं, प्रताप है प्रतापगढ़ है अयोध्या है फैजाबाद है गोरखपुर है कानपुर है झांसी है जालौन है जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही इलाहाबाद है तो वहां कहीं समुद्र नहीं है तो निश्चित ही नरकुल का अर्थ ये होगा कि अगर उन्होंने अपने विषय में कहा है अगर अपने विषय में वैसे नरकुल को अगर नारियल लें तो नारियल के साथ फिर एक, एक विसंगति जुड़ती है कि नदी का शब्द प्रयोग किया है उन्होंने नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल नदी किनारे यानी कि नदी किनारे अगर नदी का किनारा लेंगे तो नारियल नहीं होता है नदी के किनारे नहीं अधिकांश नारियल समुद्र किनारे का पक्ष है तो मैंने जब पता किया तो मेरे जो बनारस के आसपास के जो मित्र हैं उन्होंने इसका एक दूसरा शब्द भी दिया है उन्होंने कहा है कि पहले तो मैं इसको नरकुल को मैं मानव खोपड़ी भी समझ रहा था कि जैसे खोपड़ी में जा... नरकंकाल में जो खोपड़ी होती है उसमें आंखों के हिस्से खाली हो जाते हैं मुंह का हिस्सा खाली हो जाता है कान का हिस्सा खाली हो जाता है और वहां से अगर हवा आ रही है नदी की तरफ से तो जैसा जो छेद है जितना मोटा है छोटा है पतला है इस छेदों में से भी जैसी हवा गुजरेगी वैसी आवाज आएगी तो पहले मेरे मन में यह विचार भी था कि नरकुल का अर्थ शायद कंकाल भी हो सकता है लेकिन वो पेड़ नहीं हो सकता फिर नरकुल का एक उत्तर प्रदेश में जिस जगह प्रेमचंद है वहां एक जिसको हम कहते हैं सरकंडा सरकंडा भी होता है इसकी पहले छील के कलम बनाते थे उसके डंडे की छील के कलम से लिखा जाता था तो उसकी क्या खासियत होती है कि उसकी जो पतेल होती है ऊपर वाली उस पतेल से ही गांवों में छप्पर या भूसा भरने के लिए जो बनाते हैं ऐसे टेंट जैसा उसका, उसको पतेल कहते हैं ये सब उस नरकुल से ही संबंधित है तो निश्चित रूप से प्रेमचंद का जो आशय है नरकुल लिखने से वह है और उसकी जो पतेल जो ऊपर खड़ी हुई होती है उसके पतले पतले पत्ते होते हैं काफी लंबे लंबे उसको पत्ता भी नहीं कहना चाहिए जैसे कि किसी की कपड़े की ऐसे फटती हुई एक किनारी सी चली जाए तो इस तरह से वो होते हैं और एक पेड़ से जुड़े हुए रहते हैं तो एक पेड़ से जुड़े रहने का जो हवा आती है तो जिधर से भी हवा आती है वो उधर को झुक जाता है और अलग तरह की आवाज करता है कभी साए साए भाए, कभी सी तो इन आवाजों को प्रेमचंद ने पकड़ा है तो ये जो इन्होंने लिखा है कि मैंने कुछ नहीं लिखा है जैसी हवा आई वैसी मेरे अंदर से आवाज निकल गई तो कहने का आशय क्या है कि जैसी वेदना थी जैसी पीड़ा थी जैसी विसंगति थी जैसा दमन था जैसा शोषण था जैसी परिस्थिति थी जैसी चिंता थी मेरे मन में जैसी किसी षड्यंत्र की तहत किसी अत्याचार के तहत किसी किसी भी मानवीय कमजोरी की जो भी भावना मुझे समाज में परिवार में घर में शहर में दिखी नौकरी में वो जैसी हवा आई वैसी ही मैंने कहानी या उपन्यास लिख दिया तो प्रेमचंद को क्यों पकड़ रहे हो भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है मैंने कुछ नहीं लिखा ना मेरा कोई दोष है ना मेरा कोई श्रेय है जैसी हवा आई थी यानी जैसी भावना आई थी जो समाज में चल रहा था मैंने वैसा लिख दिया मुझसे मत पूछो मैंने ऐसा क्यों लिख दिया उन हवाओं को पकड़ो ना यानी कि उन लोगों से पूछो जो इसके उत्तरदायी हैं। अगर मैंने शोषण पे लिखा है तो शोषण करने वालों से पूछो कि वो शोषण क्यों कर रहे थे अगर मजदूरों पे शोषण हो रहा था तो जमींदार से पूछो वो क्यों कर रहा था एक कहानी है प्रेमचंद की घास वाली तो घास वाली में जो लड़की है किसी दलित की जो पत्नी है उसके साथ जब वो जमींदार का पुत्र जबरदस्ती करना चाहता है तो वो कितने विद्रोह में प्रश्न पूछती है हाथ में गणासा लेके कि ठाकुर साहब अगर मेरा हाथ तुमने पकड़ा है अगर मेरे पति को ये पता लग जाए तो मुझे एक बात बताइए अगर आपकी पत्नी का हाथ मेरा पति पकड़ ले तो आप मेरे पति का गला काट देंगे ना तो कहता है हाँ तो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरा हाथ जो पकड़ा है सोचिए उस समय जमींदारी प्रथा को इतनी बड़ी चुनौती देने वाला कोई कथाकार कोई कहानीकार नहीं हुआ तो प्रेमचंद के जीवन में प्रेमचंद की कलम का सिपाही भी आप जितनी पढ़ती चले जाएंगे अमृत राय ने भी लिखा है एक दो जगहों पर कि प्रेमचंद के जीवन के अधिकांश पात्र ऐसे क्यों हैं जिनकी माँ बचपन में आठ दस वर्ष की उम्र में मर गई अधिकांश पात्रों में कहानी में अधिकांश कहानी के जो उनके पात्र हैं मां मरने के दृश्य जरूर आते हैं और ऐसे दृश्य, ऐसा पात्र जरूर है जिसकी बचपन में मरती है फिर प्रेमचंद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहानी बुनना शुरू करते हैं छोटी छोटी चीजों के लेके कैसे इसको पढ़ इसको आप प्रेमचंद के इसमें देखें कि उनके अपने जीवन में कितने कितने चीजें थी खेत में से ऊख खाते हुए जा रहे हैं मटर की फली खाते हुए जा रहे हैं चने खाते हुए जा रहे हैं कहीं से एक रुपया चुरा लिया बड़े भाई के चाचे बड़े भाई थे उनके बलभद्र उनके साथ एक रुपया चुरा के मेला देखने जा रहे हैं फिर वहां वो नहीं पहुँचा पंडित जी से मौलवी से झूठ बोल रहे हैं कि हमें वहां जाना है और माँ से झूठ बोल रहे हैं दादी से झूठ बोल रहे हैं फिर मार पड़ रही है और मेले से फिर लौट के आ रहे हैं और फिर बहाने बना रहे हैं तरह तरह के बहाने बना रहे हैं किसी के बगीचे में कूद रहे हैं यानी कि प्रेमचंद की कहानियों में जो कुछ भी आया है वो प्रेमचंद के निजी जीवन में भी था प्रेमचंद की अपनी माँ बचपन में मरी सौतीली माँ आई तो ये गरीबी कितनी देखी बीमारियां कितनी देखी बहन का प्यार पाया ईदगाह कहानी को पढ़िए तो चिमटा लेके वहां से आता है क्यों क्योंकि बाकी लोग खिलौने ला रहे हैं वो कितना बड़ा दृश्य पैदा करता है कि वो अपनी आई के लिए अपनी खाला के लिए उसके हाथ जल आते हैं रोटी पकाते हुए तो वो खिलौना नहीं लाता चिमटा लेके आता है तो प्रेमचंद के सारे साहित्य के जो पात्र हैं वो जीवंत पात्र हैं तो कलम का सिपाही में भी उनके पुत्र अमृत राय जी ने जो जो लिखा है वो इसी विषय में इसी विषय में लिखा है कि आखिर क्या है ये जड़ वास्तविकता है देखिए शब्द का प्रयोग देखिए भाषा देखिए जड़ वास्तविकता वास्तविकता जो होती है वो जड़ जड़ किसकी जैसे पेड़ का जो फूल पत्ती पेड़, पेड़ के जो आपको शाखाएं दिख रही हैं वो आपको प्रत्यक्ष गोचर हैं लेकिन आपको पेड़ की जड़ नहीं दिख रही है ये पेड़ जहां खड़ा हुआ है उस जमीन के अंदर गई हुई जड़ आपको नहीं दिखती है लेकिन प्रेमचंद के साहित्य के विषय में कहानीकार उनका जो जीवनीकार है जो कि सौभाग्य से एक स्वयं कथाकार भी है एक बहुत ही शांत और विचारक हृदय है दार्शनिक है जिसके पास साहित्यिक शब्दावली है रुचि है दृष्टिकोण है संवेदनशीलता है ऐसा व्यक्ति जब प्रेमचंद की जीवनी लिख रहा है तो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि जड़ वास्तविकता अगर मैं ये कहूं कि यह जड़ वास्तविकता को अपनी कल्पना से स्फूर्त और स्पंदित कर सके जड़ वास्तविकता इसी तरह से मेरे हाथ लगा के इस व्यक्ति के जीवन को उसके देश और समाज के जीवन से जोड़कर तो देखो तब सारे बंद दरवाजे यक वक खुल गए और इस अति सामान्य जीवन को एक नया आशय एक नई अर्थवत्ता मिल गई ये किसके विषय में कह रहे हैं ये अपने पिता के विषय में तो कह रहे हैं और उन्होंने खुद ये कहा है कि जीवनी लिखना आत्मकथा लिखने से ज्यादा दुष्कर कार्य है क्योंकि आत्मकथा लिखने में तो उस व्यक्ति ने जैसा जिया वो लिख रहा है लेकिन जीवनी लिखने वाला व्यक्ति या तो उसको देखा हो तब भी लिख सकता है न देखा हो तब भी उसके बारे में जो देखा है सुना है पढ़ा है जाना है इतिहास का अध्ययन किया है उसके आधार पर उस व्यक्ति का चित्रण करना है जीवनी तो अमृत राय जी ने अपने पिता की जीवनी में इन चीजों का चित्रण किया है और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने जीवनी के अनिवार्य तत्व आवश्यक तत्वों की भी बात की है हमारे यहाँ भारत में कुछ जीवनी लिखने का काम कम हुआ है ऐसा खुद अमृत राय जी ने लिखा है इन्होंने कुछ विशेष विदेशों की जीवनियों का उद्धरण दिया है जैसे आंध्रे मोरुआ की लिखी हुई शैले की जीवनी एरियल किसने नहीं पढ़ी या अविंग स्टोन की लिखी हुई वैन गो की जीवनी लस्ट फॉर लाइफ किसने नहीं पढ़ी एमिल लोडविक का नाम किसने नहीं सुना जो सिर्फ अपनी जीवनियों के बल पर यूरोप के साहित्य में अपनी खास जगह बनाए हुए है और इसी तरह जो मैंने वॉसवेल के विषय का नाम आपको दिया है वॉसवेल भी जीवनीकार थे तो उनकी जीवनियों की वजह से ही वो इतने मशहूर हुए इतने मशहूर हुए कि वो जीवनीकार के रूप में बायोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं वो स्वयं में लॉयर भी थे और जीवनीकार थे उनका नाम ही एस्ट्रो ऑटोबायोग्राफर उनका नाम उनका दिया गया है तो मैंने इसमें से कुछ प्रसंग आपके लिए रखे हैं विशेष तौर पर जिसमें आपको साहित्यिक रूप से ये मिल जाएगा प्रेमचंद के जीवन का पत्रकार के रूप का जो स्वरूप था उनका उनका जो संघर्ष था उनकी जो चेतन और अवचेतन दोनों के मिश्रण से जो भाषा बनती है आप लोग जानते होंगे कि दो तरह का मन होता है एक चेतन मन एक अवचेतन मन हमारा चेतन मन जो कुछ भी करता है वो हमारे अवचेतन मन से ही प्रेरणा पाके होता है तो प्रेमचंद के चेतन और अवचेतन मन के दोनों के द्वंद से निकलती हुई जो व्यवस्था लेखन के रूप में सामने आई प्रेमचंद ने वह लिखा है प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा गांव देखा प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा गरीब देखा दलित देखा वंचित समाज देखा जीवन के वो दौर देखे जैसा कि उन्होंने खुद अपने विषय में लिखा है कि जिस समय माँ के प्यार की माँ के स्नेह की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बचपन को उस समय मेरी माँ चली गई तो यह मन में प्रेमचंद के ऐसा गया कि अधिकांश पात्रों में उनको वो लोग दिखाई दिए जिनकी मां मर गई पढ़ाई के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया वो लोग उनके पात्रों में आए पत्रकारिता में वो लोग जो आए अब जैसे अप्रैल 1904 में मुंशी जी ने जो इम्तहान पास किया उसके बाद मुंशी दया दया नारायण निगम जी के साथ जो उनकी खतो खतावत शुरू हुई उसमें वो लिखते हैं और उन्होंने जमाना शुरू किया आवाज खल्क में भी वही किस्सा आता है तो अभी देखिए कितनी गरीबी भी उन्होंने झेली है भोगी है यद्यपि पिछली बार जब प्रोफेसर कमल किशोर गोयनिका जी के साथ हमारी वार्ता थी तो उन्होंने बहुत से तथ्य हमें बताए और एक लेख भी उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद का जन्म गरीबी में अवश्य था ऐसा उनके बचपन के जो प्रारंभिक पन्नों को आप कलम का सिपाही को पढ़ेंगे लेकिन प्रेमचंद की मृत्यु या प्रेमचंद के जीवन में गरीबी बहुत अधिक नहीं रही ऐसा उन्होंने प्रोफेसर गोयनका जी ने बहुत से तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है तो आप उस लेख को भी पढ़ सकते हैं कि ये गलत है क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रेमचंद की अंतिम शब्द यात्रा में जैनेन्द्र थे अज्ञे थे इतने बड़े बड़े लोग वहां पर थे बाद में फिर शिवरानी देवी के पास भी गए और उस समय उस समय यानी सन 1936 में उनके उस बैंक खाते में कुछ पैसे 400 के करीब थे और उस समय उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी सोचिए यानी आज से 1936 लगभग आज से 80 वर्ष पहले की बात ये हो रही है तो ये उन्होंने एक स्थापना दी है कि प्रेमचंद की मृत्यु गरीबी में नहीं हुई थी भाषा देखिए वो क्या कहते हैं लेकिन ये नादान बच्चे की हंसी नहीं थी जो दुनिया के दुख दर्द का सर्दी गर्मी का हाल नहीं जानता नादान बच्चे नहीं है, या नहीं, है यानी क्या ये नादान बच्चे की हंसी निश्चल होती है लेकिन यहां जिस हंसी का वो जिक्र कर रहे हैं ये बनावटी हंसी है ये क्या है ये झूठी हंसी है तो इस तरह की शब्दावली के साथ प्रेम कहानीकार अमृत राय जी ने लिखा है उनके बारे में अच्छा और कितनी कुरीतियों के ऊपर भी उन्होंने चोट की है और कितने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके तो ये कहां से निकला कि प्रेमचंद ने बचपन में ही बचपन में ही उन्होंने इतना साहित्य पढ़ा था एक उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि वहां पर एक गली में जो किताब वाले की दुकान थी वो उस दुकान पर बैठ के साहित्य पढ़ते थे और क्या करते थे उस दुकान वाले का उन्होंने काम ले लिया था कि वो वो प्रेम जो है उनकी स्कूलों में जाके बेचा करते थे तो दुकान वाले का ये काम था कि तुरा काम मैं करूंगा और तू मुझे किताबें पढ़ने को देगा तो उन्होंने उसी समय बड़ी बड़ी उर्दू की कहानियां बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ साहित्य पढ़ लिए और फिर कुरुतियों पर चोट की तो उन्होंने लिखा एक जगह कि इसके बाद फिर ऋग्वेद यजुर्वेद वशिष्ठ स्मृति नारद स्मृति प्रजापति स्मृति कात्यान स्मृति मनुस्मृति आदि शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण जुटाए गए हैं कि किन किन दशाओं में विधवा का पुनर्विवाह संभव है और उचित है तो आज भी समाज में यानी कि सन 2020 में भी समाज में विधवा विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रेमचंद आज से लगभग सौ वर्ष पहले सवा सौ वर्ष पहले सन उन्नीस सौ दो उन्नीस सौ चार के आसपास में एक सौ सोलह वर्ष पहले प्रेमचंद विधवा विवाह के समर्थन में हैं। और हिंदू ग्रंथों से कितने कितने प्रमाण लेकर उन्होंने उस स्थापना को रखा है तो अब अमृत राय जी ने इस विषय में बहुत अच्छा उनके पत्रकार स्वरूप को उजागर किया है कि पत्रकार का जो काम हो, होता है कि पत्रकार समाज को बदलने का भी काम करता है समाज के छिद्रों को ढकने का काम नहीं करता है छिद्रों को भरने का काम करता है छिद्रों को दिखाता है कि भाई देखो ये गलती है ये चूक है ये कमजोरी है ये कायरता है ये पलायनवाद है ये कुरीति है ये कुपरंपरा है इससे बदलो इस गंदगी से बाहर आओ एक नए समाज का निर्माण करो पत्रकार की यह मनसा होती है और यही मनसा अमृत राय जी ने आपके वाले पाठ्यक्रम में पत्रकार के जो उसकी जुझारूपन है जो उस दौर की पत्रकारों की एक सामान्य बात थी सभी के लिए राष्ट्र जागरण नव जागरण समाज निर्माण उस रूप में भी पत्रकार के रूप में प्रेमचंद की बहुत सफल भूमिका रही है कैसे के परिवारों का विघटन परिवारों की अशांति के विषय में बहुत अच्छा लिखा है भाग नौ में अगर आप देखेंगे तो जब वो प्रेमचंद की जो चाची जी हैं उनका शिवरानी देवी जी से जो घर की सामान्य समस्याओं को लेके जो रोजाना झगड़ा पानी जो कले शुरू होती है उसका लिखा है फिर उसमें एक समाधान भी दिया है प्रेमचंद ने हमेशा चाची का पक्ष लिया क्यों क्योंकि चाची माँ के स्थान पर थी पत्नी को तो समझाया बुझाया जा सकता है चाची बड़ी बूढ़ी है उनको समझाना बुझाना ज्यादा आसान नहीं है उनको उनको स्नेह से उनका स्नेह पाके वो बड़े हुए हैं उनका अधिकार उन पर पत्नी से ज्यादा मानते हैं वो अपना ठीक है तो वो उनकी बातों को ही आगे रखते हैं पत्नी की बात को प्रश्रय नहीं देते तो जो पुरुष वर्ग मेरी बात को सुन रहा हो वो इस बात को सीख ले और जो महिला वर्ग सुन रहा हो या जो बिटिया सुन रही है जो लड़कियां सुन रही हो ये सोच लिए ये पुरुष की भी एक मजबूरी होती है कि वो दोनों में से किस किसको प्यार करे किसकी बात को समाधान रूप परिवार की शांति को बनाए रखे जैसे किसी एक शायर ने एक जगह लिखा है कि हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं जब से किया है हमने शादी हम कश्मीर बन गए हैं ठीक है तो पुरुष के सामने ये दिक्कत भी आती है तो उसे दोनों को संभालना पड़ता है एक और माँ होती है एक और पत्नी होती है तो इस द्वंद को भी इस कलम का सिपाही में अमृत राय जी ने बड़ी बखूबी इसका चित्रण किया है कि दोनों के बीच में मुंशी जी क्या भूमिका निभाते थे और मैं एक प्रश्न और लेता हूं कि मैं अपनी बात कहता हूं कि वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त से परिवार की बात आती है इसमें समाज की बात आती है और मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक कड़ा शब्द भी मुझसे कहा हो यहाँ तक कि पढ़ने के लिए तो अमृत राय जी कह रहे हैं इस बात को अपने पिता के बारे में कि हम जब पढ़ते थे शाम को तो हमको खेलने जरूर भेजते थे लेकिन हम सब लोग रात का खाना साथ में खाने के लिए पिता का इंतजार करते थे और पिताजी लिखते रहते थे तो ये इस तरह से क्योंकि बहुत बड़ा विषय है 600 700 सात सौ पेज का जीवनी का ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है खंड है तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद जी के बारे में एक बात बहुत अच्छी मैं आपको बताऊ के प्रेमचंद ने जितना गाँव का गरीब का वंचित वर्ग का जितना लेखन किया है लेकिन आने इस नए दौर में जिसमें मैं भी हूं यद्यपि मैं प्रेमचंद को जितना पढ़ा है मेरे सारे जैसा कि अवधेश अभिषेक जी जो कह रहे थे मेरी साहित्यिक अभिरुचि को जगाने का काम प्रेमचंद ने ही किया कारण क्योंकि मेरी अपनी पृष्ठभूमि गांव की है और मैं मैं गांव से बाहर जरूर हूं लेकिन गांव मेरे अंदर है एक गांव मेरे अंदर रहता है तो प्रेमचंद से मेरे जुड़ने का जो तालुक है वो मेरा गांव है मेरी देहरी है मेरा घर है मेरे संबंध है मेरा परिवार है यही चीज बखूबी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही में प्रेमचंद के पूरे जीवन के साथ जोड़ के रखी है हमारे इस दौर के एक कवि हुए हैं डॉक्टर उर्मिलेश तो आज के दौर के जो कवि हैं वो क्या होते हैं वो गांव की चर्चाएं लिखते हैं गांव की कविताएं लिखते हैं गांव की कहानियां लिखते हैं गांव के उपन्यास लिखते हैं गरीब के उपन्यास लिखते हैं शोषण के उपन्यास लिखते हैं कविताएं लिखते हैं दर्द की कविताएं लिखते हैं लेकिन उन्होंने दर्द झेला नहीं है वो दर्द उन्होंने बौद्धिक दर्द अपने अंदर डाला है वो दर्द की अनुभूति उन्हें नहीं है तो उर्मलेश ने एक जगह लिखा है कि अपने घेरे में बंद है साहेब अपने घेरे में थोड़ा व्यंग है कि अपने घेरे में ये साहेब मतलब जो, जो आजकल जो लेखन कर रहे हैं दर्द का लेखन चिंताओं का लेखन अभी आपने देखा मजदूरों का जो घर प्रवासी मजदूर जो जगह जगह से लौट के आ रहे हैं तो सोशल मीडिया आपने देखा होगा बड़ा पड़ा है चिंताओं से पर इनमें से जिन्होंने चिंताएं व्यक्त की है ना इन्होंने उस मजदूरों के लिए एक रत्ती भर भी एक रुपया खर्च नहीं किया होगा किसी को हजार दो हजार दस हजार बीस हजार रुपए दान में नहीं दिए होंगे लेकिन फेसबुक पर इतनी लंबी टिप्पणी लिख दी होगी जैसे कि सारे मजदूरों का दर्द इनके सीने में ही है तो ये नकली जो लोग हैं नकली साहित्यकार हैं, उन पर चोट की है और ये सारा काम उन्होंने कहा किया है मजदूरों की चाहे वो मीडिया भी है वो क्या कर रहा है वो एसी रूम में बैठ के मजदूरों को सड़क पे चलते हुए दिखा रहा है फोटो खींच रहा है वीडियो बना रहा है अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है साहित्यकार साहित्य रचना कर रहे हैं एसी रूम में बैठे हुए उनको उस दर्द से कोई सरोकार नहीं है न वो दर्द उन्होंने झेला है तो डॉक्टर ओमलेश ने लिखा है कि अपने घेरे में बंद है साहेब वो तरक्की पसंद है साहेब अपने घेरे में बंद है साहेब वो तरक्की पसंद है साहेब और गांव से उसको सख्त नफरत है फिर भी वो प्रेमचंद है साहेब क्योंकि जब आप गांव जाएंगे तो मिट्टी आपके पांव में लगेगी गड्ढे में आपका पांव गिरेगा आप ठोकर खा के गिरेंगे माथा आपका पत्थर से लगेगा आपका खून निकलेगा कीचड़ में आपका मुंह सन जाएगा वहीं से एक बैल या गाय या भैंस गुजरेगी वो आपको अपने गोबर से या मूत्र से वो आपको सुगंधित वातावरण प्रदान करेगी हो सकता है लात भी मार देकर गाय वहां से गुजरी है आप उससे बचने को घूरे पर चढ़ेंगे घूरे पर चढ़ेंगे तो गोबर में आपका पांव घुस जाएगा आप पेड़ पर पकड़ने के लिए अपना सहारा ढूंढेंगे पेड़ पकड़ेंगे तो वहां आपको ततैया काट लेगा तो क्या इतने दृश्य जो मैंने आपको एक बताए ये दृश्य जो साहित्य लिख रहे हैं आजकल एसी कमरे में बैठ के फेसबुक के ऊपर जो पराक्रम कर रहे हैं और जो गांव की व्यथा और गरीब की कथा लिख रहे हैं क्या इन्होंने इसमें से कुछ भी भोगा है निश्चित ही नहीं भोगा है तो मैं अब ये कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि अब आप लोग कुछ प्रश्न रखें ये अपने आप में एक बहुत बहुत एक विशाल आ, कहानी है जीवनी है प्रेमचंद की कलम का सिपाही और इसके साथ साथ मेरा सभी से ये भी कहना रहेगा आप आप विद्यार्थियों से कि शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में भी जरूर पढ़ें तो उसके साथ आपको अपनी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे जब आप वहां से कोट करेंगे वहां से उदाहरण देंगे कमल किशोर गोयनका जी की किताबों को पढ़ें और जब आपको परीक्षा में अच्छा छ अंक लाने हो ना तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ उतना ही मत पढ़िए जितना पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको तो पढ़ ही लीजिए एक बार दो बार चार बार लेकिन उसके साथ जितना आप बाहर का पढ़ेंगे और जब आपके सामने कोई प्रश्न आया जैसे कि एक प्रश्न आया कि प्रेमचंद के सामने आई उन दिक्कतों का जिक्र करिए जो उन्होंने जमाना शुरू करते समय या हंस शुरू करते समय उन्होंने झेली हैं तो आपने अगर अपने जो पाठ्यक्रम का दिया अंश है उतना ही पढ़ा तो आपके अंक बहुत अच्छे नहीं आएंगे लेकिन अगर आपने प्रेमचंद का और बहुत साहित्य पढ़ा उस दौर का साहित्य का जब आप अपने उत्तर में उदाहरण देंगे कोट करेंगे और जगह का पढ़ा हुआ और चीजों का पढ़ा हुआ और जो प्रेमचंद ने उस समय समकालीन लिखा जैसे कि हंस के संपादन के समय हंस जब पत्रिका निकाली थी प्रेमचंद ने तो बड़ी विपन्न स्थिति थी उनकी बहुत गरीबी की स्थिति थी पैसे के मामले में तो शिवरानी देवी ने एक बार उनके ऊपर कटाक्ष किया हाँ ये आपका हंस तो बहुत बड़े मोती उगलल, उगलता है यानी क्या कटाक्षता जैसे पत्नी अक्सर कटाक्ष करती है कहीं पति की थोड़ी सी इनकम कम होती है ना तो गरीबी पर पत्नी बहुत कठोर आघात करती है तो उन्होंने भी यही काम किया प्रेमचंद की पत्नी ने अपनी विपन्नता से आर्थिक विपन्नता से परेशान होके और देखा कि प्रेमचंद जुनून की तरह से न शरीर का ध्यान रखते हैं न खान पान का ध्यान रखते हैं और हंस पत्रिका में वो जुटे हुए थे उसको निकालने में मानसरोवर का हंस तो उन्होंने कहा कि कटाक्ष किया कमेंट किया उनको उलाहना दिया हाँ ये आपका मानसरोवर का हंस तो बहुत मोती उगल उगलता है ना यानी बहुत आमदनी देता है ना बहुत सारे पैसे उगलता है मोती उगलता है मतलब बहुत सारे पैसे उगलता है यानी कि टन टन गोपाल हो आप ऐसा आपके पास एक नहीं है ठनटन गोपाल हो इनकम कुछ नहीं है आमंदनी है नहीं और फिर भी इस पत्रिका में मानस के हंस में लगे हुए हो माफ करें मानसरोवर का हंस मानस का हंस अमृतलाल नागर की है तुलसी की जीवनी तो प्रेमचंद ने उस कटाक्ष की पीड़ा को पिया और देखिए साहित्यकार का जवाब क्या है प्रेमचंद ने उत्तर दिया कि देखो हंस मोती ओगलता नहीं है हंस मोती खाता है मोती निगलता है तो जो लोग परिचित होंगे हंस के स्वभाव से हंस एक पक्षी है जो कि मोती निगलता है कहने का मतलब क्या जवाब का जवाब भी हो गया कि भाई कोई आमंदनी आए ना आए हंस शिवरानी हंस पत्रिका निकलेगी जरूर चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं ये उनका शब्द था मैं जीवित रहूं ना रहूं लेकिन हंस निकलेगी तो इतना था प्रेमचंद का पत्रकार के रूप में अपनी पत्रिका के, के प्रकाशन का संपादन का और दिन रात लग के उन्होंने उस अपने काम को पूरा किया और इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने उस नव जागरण काल में या राष्ट्र जागरण काल में या स्वाधीनता के लिए अलग जगाने के काम में प्रेमचंद ने पत्रकार के रूप में भी बहुत बड़ी अपनी आहूति दी है और यही प्रेमचंद के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है कि हम उनकी कथाओं को कहानियों को ही न पढ़ें उन्होंने जो जीवन का बलिदान अपना इतना छोटा जीवन उनका रहा और उस छोटे से जीवन में उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए जितना बड़ा साहित्य उन्होंने रच दिया इतने उपन्यास लिख दिए इतनी कहानियां लिख दी और इतनी दुश्वारियों में इतनी कठिनाइयों में तो मैं अपने विद्यार्थियों से और अपने घर में भी अपने बच्चों से भी हमेशा कहता हूं कि अगर आपके जीवन में कठिनाई आए ना तो आप उनसे घबड़ाना मत उन कठिनाइयों को भी अपने जीवन का आधार बना लेना प्रेरणा बना लेना और उनका भी धन्यवाद देना क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन है कहीं आप पढ़ना मैं आपको उसकी चार लाइन सुना देता हूं उनकी। जैसे आप कहीं चल रहे होते हैं और रास्ते में दीवाल आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं तो यहां दीवाल प्रतीक है किसका आपके रास्ते में आई हुई परेशानी का आपकी कठिनाई का तो प्रेमचंद डॉक्टर कुमार बेचन ने लिखा है कि चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया एक पत्थर को बुद्ध बना देने का शुक्रिया बुद्ध यानी मूर्ति मूर्ति कब बनती है जब पत्थर के ऊपर चोट पर चोट की जाती है छेनी हथौड़े से चोट कर करके उसको तराशा जाता है तब मूर्ति बनती है वरना तो पत्थर है चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया एक पत्थर को बुद्ध बना देने का शुक्रिया और तुम न होती तो कैसे बनाना सीखता मैं सीढ़ियां होती तो कैसे बनाना सीखता मैं सीढ़ियां अरे दीवारों दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया जब आपके रास्ते में कोई दीवार आती है तभी तो आपके दिमाग में सीढ़ी बनाने का विचार आता है तुम न आई तो कई जरूरी काम कर लिए देखिए देखिए। सकारात्मकता कवि का कवि का विचार देखिए ऊंचाई देखिए प्रेरणा कहां तक परेशानी को भी कभी अपने लिए एक पाथिय बना लेता है कि तुम न आई तो मैंने कई जरूरी काम कर लिए कौन अरे नींद आज की रात ना आने का शुक्रिया अरे नींद तू नहीं आई तो कोई बात नहीं तेरे ना आने का भी शुक्रिया तू नहीं आई तो मैंने कई जरूरी काम कर लिए तो आप अपने जीवन की परेशानियों को भी अपने जीवन का पाथे बनाइए अपने जीवन का प्रकाश बनाइए उनके सहारे आगे बढ़िए क्योंकि आप देखिए अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं है तो आप कैसे जिएंगे आप किसी को भी देखिए जिसने भी जीवन सफल जीवन बना है जिनको आज आप बड़ा आदमी कहते हो जिनको आज आप सफल आदमी कहते हो या जैसे अभिषेक मेरा प्रिय भाई है छोटा मेरी ज्यादा तारीफ कर रहा था लेकिन क्योंकि कर रहा था तो मैं भी बता दूं कि उसी संदर्भ में बता रहा हूँ किसी और श्रेय लेने के लिए नहीं कि अगर मेरे जीवन में ये जो परेशानियां आई अगर मैं उन परेशानियों से हार के टूटता और भाग जाता तो भाग जाता आज यहाँ ना बैठा होता आपके सामने लेकिन जो छोटी 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 भगवान ने मेरे रास्ते में रखी और मुझे वो हिम्मत दी मुझे वो जज्बा दिया कि मैं उन परेशानियों से पार उन परेशानियों को जीतूं उन परेशानियों को छोटा समझूं और उनसे जीतने का साहस जुटाऊं तभी तो आपके सामने हूं तो ये एक संदेश है कि आप अपनी परेशानियों से भी ना जूझें और प्रेमचंद का पूरा जीवन पूरी कथा पूरे उपन्यास पूरी कहानियां प्रेमचंद की पूरी जीवनी यही प्रमाण है यही साहस देती है आपको कि आपके जीवन की परेशानी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, जीवन बहुत बड़ा है बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रोफेसर अभिषेक सिंह जी का और सभी लोगों का पूरी टीम का उड़ीसा विश्वविद्यालय का ओपन ओपन यूनिवर्सिटी के सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात कलम का सिपाही के ऊपर रख पाया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर और इस दौरान में लगातार बहुत से कुछ प्रश्न भी आ गए हैं तो पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं सर जी आ, जी जी सर एक एक करके प्रश्न आपके समझ सकता हूँ सर जो पहला प्रश्न एक विद्यार्थी पूछ रही है वो लिखती है कि अमृत राय जी ने कुछ अच्छा हाँ, आपने जैसा वो कहा ना अमृत राय जी ने हवा के बारे में कुछ बोला था थोड़ा उसके बारे में दोबारा से समझा दीजिए ये पूछ तो मेरा कहना काफी है या दोबारा कहूँ? दीपा कुमार तो ले लिया अभी बात, बता है और एक दोबारा सुनना चाहती है और एक विद्यार्थी दोबारा सुनाइए अभी जस्ट उनका टेक्स्ट आया बच्चों को वो उदाहरण बहुत पसंद आया तो विद्यार्थियों ने कहा दोबारा एक बार वो उदाहरण सर कह दीजिए अच्छा प्रेमचंद के विषय में अमृत साई जी ने लिखा है ना कि मुझसे मुझे क्यों छेड़ते हो भाई उन हवाओं को पकड़िए तो उन हवाओं को पकड़ने का क्या है कि उन्होंने लिखा कि मैं तो नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल का वृक्ष हूं मैं तो नरी नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल का वृक्ष हूं तो यहां नरकुल से अर्थ नारियल से भी लिया जा सकता है अगर आप वैज्ञानिक काम में ना जाए क्योंकि नदी किनारे नारियल कम होता है तो मैंने जब नारगेल के इस नरकुल शब्द के बारे में अपने दोस्तों से साहित्यकारों से चर्चा की तो मुझे एक दो जो बनारस के आसपास के जो मित्रगण हैं जो कि प्रेमचंद के, के गांव के आसपास के प्रतापगढ़ लमही बनारस गोरखपुर बलिया जौनपुर झांसी जालौन इन जगहों को जो जानते हैं तो उन्होंने ये कहा कि नरकुल का अर्थ है सरकंडा सरकंडा एक पेड़ होता है जो अक्सर नदी के दोनों किनारों पर उस नमी में ही पैदा होता है जिसमें ऐसे लकड़ी भी होती है और लकड़ी ये बड़ी मुलायम लकड़ी होती है और इस लकड़ी के ऊपर इस तरह से उसके पत्ते होते हैं ऐसे बहुत सारे पत्ते एक पत्ता नहीं ये तो आप सिर्फ दो देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे पत्ते होते हैं हजारों पत्ते एक पेड़ के एक पेड़ के और वो ऐसे हिलते हैं जब ये ऐसे हिलता है जैसी हवा आती है पूर्व से हवा आई तो वो पश्चिम को हिल जाए जाये, झुक जाएगा पश्चिम से हवा आएगी तो पूर्व को झुक जाएगा और वो पत्ते इतने घने होते हैं इतने पतले पतले होते हैं इतने पतले पतले कि अगर आप थोड़े से भी सावधान अगर आप नहीं है तो मेरे अपने बचपन के अनुभव में जब हम उसके पास से गुजरते थे तो ऐसे चाकू किसी उनकी नोक होती है पत्तों की कि यहां से ऐसे बिल्कुल जैसे कोई ब्लेड से चीर देता है ना ब्लेड से ऐसे आपके शरीर को किसी भी अंग को वो चीर सकते हैं इतना धारदार पत्ता होता है आ, इसका सरकंड का तो प्रेमचंद ने लिखा है उसके बारे में कि भाई मैं तो नरकुल का पेड़ हूं मेरे पास तो जैसी हवा आई यानी कि जो समाज में उस समय चल रहा था जो समाज में उस समय चल रहा था पाप चल रहा था अत्याचार चल रहा था शोषण चल रहा था विधवाओं की दुर्दशा थी जो बच्चे अनाथ हो जाते थे उनकी दुर्दशा थी जिसकी माँ बचपन में मर गई, उस बच्चे का जीवन कितने कष्टों का होता था उसकी दुर्दशा थी हिंदू मुसलमानों का संघर्ष भी था द्वंद भी था क्योंकि दो अलग अलग विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण भी हो रहा था एक मोहल्ले में दोनों ही लोगों को रहना था तो इसीलिए काका इस, इसी इस्माइल को भी रहना था और पंडित दाता को भी रहना था तो ये जितनी भी परिस्थितियां थी विधवाएं भी थी और नगर बधु भी थी जमींदार भी थे सामंत भी थे नौकर भी थे किसान भी थे बड़े बड़े आ, साम जो है शहर के बैरिस्टर भी थे यानी जो कुछ भी उस समय के समाज में था गांधी बाबा भी थे नेहरू जी भी थे एक दुर्लभ चित्र आप इस किताब में देखेंगे शायद इसमें अगर नहीं है तो मुझसे पूछ लेना मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा प्रेमचंद के दुर्लभ चित्र एक इलाहाबाद में एक सम्मेलन भी हुआ था वहां पर जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी का एक चित्र भी है दुर्लभ चित्रों में तो प्रेमचंद ने यह लिखा है कि अगर आप मेरे साहित्य की बढ़ाई कर रहे हो प्रशंसा कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है मैंने कुछ नहीं लिखा मैंने कुछ नहीं किया मेरी जिंदगी बिल्कुल समतल है कैसे समतल है जैसे कि शिव मंगल सिंह सुमन की एक रचना है ना न जीत न जीत में न हार में है ना किंचित नहीं भयभीत में जीवन पथ पर जो मिला यह भी सभी वो भी सही जो मिला न जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं अरे जीत गया तब ठीक है हार गया तब ठीक है ठीक है तो प्रेमचंद का जीवन बिल्कुल उसी तरीके से है। वो नहीं कभी उनको न, उन्होंने कहीं अपना दुख नहीं लिखा है कहीं दुख नहीं लिखा है तो उन्होंने जो जिया है सिर्फ वही लिखा है और कथा के रूप में लिखा है कहानी के तो जैसी परिस्थिति आई जो वहां वातावरण था उस समय जो समाज था जो देश था जो वहां पात्र जीवंत पात्र थे कहीं से उन्होंने पात्रों को क्रिएट नहीं किया टू स्टेट्स नहीं हाफ गर्लफ्रेंड नहीं क्रिएट नहीं किया उन्होंने वो पात्र वहां जीवंत थे उनके ही आसपास में वो लोग थे हल्कू था धनिया थी झूरिया थी होरी था गोवर था मल्लिका थी मेहताजी थे दातादीन थे भोली भाई थी ये सब पात्र उनके हैं जीवन में इसके विषय में उन्होंने उनको कहानी को लिखा नहीं सिर्फ बुना है गत कहा है कहा है तो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा जो मेरे सामने था जैसे जैसे हवा आती है तो जो नरकुल का पेड़ है उसके जो पत्तों के बीच में से जब हवा गुजरती है तो साय या भाय, या शू, या जो भी आवाज आ रही है वो हवा की वजह से आ रही है आवाज का कोई दोष नहीं है आवाज का कोई दोष नहीं है पेड़ का कोई दोष नहीं है मैं तो खड़ा हूं मेरे पत्ते तो हिलेंगे हवा आएगी तो मेरा कोई दोष नहीं है अगर आपको कुछ पूछना है कि आपने ऐसी आवाज क्यों लिखी या ऐसा क्यों लिखा तो उस हवा से पूछो वो क्यों आई पूर्व से आई तो पतली आवाज आई पश्चिम से आई तो बाहरी आवाज आई आंधी आई तो भयानक आवाज आई तर -तर -तर, तर 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 तो ये उनका उदाहरण है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं लिखा क्यों उन्होंने वो जीवन युद्ध जिया है जीवन युद्ध जिया है हमारे आज के युग के एक बहुत बड़े शायर हैं कवि हैं डॉक्टर शिव अंबर उनका कहना है कि लहजे में खुदारी रख लहजे में खुदारी रख और होठों पे चिंगारी रख लहजे में खुददारी रख आत्मसम्मान प्रेमचंद ने कहीं नहीं गिराया कहीं नहीं किसी कथा में अगर उन्होंने कफन भी लिखी है तो कफन में भी उन्होंने जीवन की बड़ी विसंगतियों का वर्णन किया है लेकिन सच्चाई लिखी है कि गरीबी क्या नहीं करा देती अगर वो कफन के पैसों से दोनों बाप बेटे शराब पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं तो वो कितनी बड़ी बात कहते हैं उस पात्र के माध्यम से कि तू क्या सोच रहा है हमें चंदा करके कफन लाने के लिए पैसे दिए हैं क्या वो अभी तक इंतजार कर रहे होंगे हमारा अरे चिंता मत कर वो स्वर्ग में जाएगी वो हमारा पेट भर गई यानी वही समाज यानी समाज की शक्ति भी बताई है कि वही समाज जिसने हमको पैसे दे के भेजा है वही समाज उस मृत शरीर का दूसरी तरह से इंतजाम करके दाह संस्कार कर चुका होगा तो ये जीवन युद्ध है तो प्रेमचंद के सारी साहित्यिक कृतियों का आप मूल्यांकन करेंगे तो सिर्फ ये पाएंगे कि उन्होंने मानव जीवन के जीवन युद्धों का ही चित्रांकन किया है बस और कुछ नहीं तो ओम उम शिवो अम्बर जी लिखते हैं कि लहजे में खुदारी रख और लफ्जों में चिंगारी रख जब बोल तब अंगार बोल और कैसे हृदय में भगवत गीता रख रख और युद्ध निरंतर जारी रख युद्ध को निरंतर जारी रखना होता है आपको भी अपने जीवन का युद्ध लड़ना पड़ेगा मैंने अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा हूं प्रोफेसर अभिषेक जी अपने जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं मंजर भोपाली जी का एक शेर है कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध चाहे राजा राम हो और चाहे गौतम बुद्ध किसी को भी जीवन अपने युद्धों से भागने का मौका नहीं देता है तो ये जो आपका युद्ध है वो आपका लड़ना पड़ेगा तो प्रेमचंद के ये लिखने का मतलब ये था कि मैंने कुछ नहीं किया जो मैंने आपसे कहा था कि प्रोफेसर अरुण कमल जी ने अपने विषय में लिखा है कि मेरा कुछ नहीं है अपना क्या है इस जीवन में मेरा कुछ नहीं है अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार सब कुछ उधार का है ये कपड़े किसी के हैं ये शरीर किसी का है ये नाम किसी का है ये सब सब दूसरों का है ना मेरा क्या है कुछ नहीं तो यही भाव प्रेमचंद के हर उसमें आता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा है जो है वो बस मैंने चित्रित किया है है तो अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार और सारा लोहा उन लोगों का अपने पूर्वजों का या मुझे गढ़ने वालों का सारा लोहा उन लोगों का मेरी केवल धार मैंने सिर्फ इसको धार दी है और कुछ नहीं किया कृष्णकांत कांत जी की एक बहुत अच्छी शेर भी है इस बारे में वो इसको और अच्छी तरह से प्रबंधन में बताते हैं कि एहसान नशे मन का सारे चमन पर है कोई तिनका कहीं का और कोई तिनका कहीं का है ये जो चमन जो बना है ना ये तिनके तिनके कोई तिनका वहां से आया कोई तिनका वहां से आया कोई तिनका वहां से आया तो चमन बनने के बाद चमन पूरे तिनकों का धन्यवाद दे रहा है कि तुम मेरे से आए तब ये चमन बना समझ में आई बात जी है तभी हम कह सकते हैं कारणों से प्रेमचंद का नाम न रखे काल बन गया प्रेमचंद पूरा योग है जी जी सर यही तो कारण है हाँ, साहित्यकार है और उनके नाम से कालखंड आ गया अपने। ये स्वयं में जरूर कुछ बात रही होगी उस लेखक में बिल्कुल जी सर आ, आगे बढ़ते हैं सर प्रश्न निरंतर आ रहे हैं विद्यार्थी आपको धन्यवाद भी लिख रहे हैं विद्यार्थी ने लिखा जी बिल्कुल थैंक यू सच मैं समझ में आ गया विद्यार्थी आपको धन्यवाद लिख रहे हैं सर नहीं नहीं धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है आप खूब पढ़े लिखे अपने जीवन युद्ध को जीते अच्छे नंबर लेके पास हो यही मेरी मंशा है जी 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 सर आगे बढ़ते हैं सर दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं टिक्की प्रधान जी एक प्रश्न लिख लिख रही हैं कि कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में को छोड़कर प्रेमचंद की और कितने जीवनी है आ, जीवनी अगर सिर्फ जीवनी की बात करेंगे तो प्रेमचंद की जीवनी फिर और ज्यादा नहीं मिलेंगी इस रूप में फिर बड़े बड़े लेख आपको मिल जाएंगे प्रेमचंद विविध आयाम प्रेमचंद के इस नाम से किताबें हैं छोटी छोटी उसमें उनके कुछ आयाम लिए गए हैं कुछ पक्ष लिए गए हैं कुछ उपन्यास लोगों ने लिखे हैं कुछ लोगों ने कुछ नहीं आ, मैं समझता हूं कि कम से कम कम से कम भारतवर्ष में तीन सौ साढ़े तीन सौ के करीब पीएचडी हैं प्रेमचंद के ऊपर उनके एक एक विषय को लेके जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्राम्य जीवन प्रेमचंद के नारी पात्र प्रेमचंद के परिवार की व्यवस्था का विवेचन इस तरह से कोई भी विषय उठा उठा के प्रेमचंद और कृषक समाज दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर राम वक्ष जी हैं अभी पिछले वर्ष रिटायर हो गए वो वो भी प्रेमचंद संबंधी विद्वान है बहुत अच्छा लिखते हैं बोलते हैं प्रोफेसर राम प्रेमचंद के रूप उनकी भी किताब है प्रेमचंद और भारतीय किसान एक हमारे खड़गपुर में भी प्रोफेसर पंकज शाह हैं उनका भी एक उनकी भी एक पुस्तक है प्रेमचंद के गांव के ऊपर प्रेमचंद और भारतीय किसानों के ऊपर तो प्रेमचंद की अगर संपूर्ण जीवनी की बात करेंगे तो वह सिर्फ कलम का सिपाही है प्रेमचंद घर में भी नहीं है प्रेमचंद घर में सिर्फ एक पत्नी का वह लेखन है वह अनुभवों का साझा करना है जो एक पति के साथ उन्होंने जीवन जिया प्रेमचंद घर में वो प्रेमचंद की जीवनी नहीं है एक अंश है तो एक अंश है तो संपूर्ण जीवनी तो देखा जाए एक तरह से ये अमृत राय की कलम का सिपाही है और अमृत राय जी ने इसी बात पर तो आश्चर्य व्यक्त किया है कि भाई इतने बड़े आदमी की भी जीवनी लिखने वाले लोग पैदा नहीं हुए जिस आदमी का इतना बड़ा साहित्य अवदान है उसकी भी लोगों ने जीवनी नहीं लिखी तो निबंध बहुत मिल जाएंगे आपको छोटी छोटी ऊपर छोटी छोटी किताबें बहुत मिल जाएंगी शोध प्रबंध बहुत मिल जाएंगे जैसे एक डॉक्टर किरण ग्रोवर है अबोहर डी डिग्री कॉलेज में प्रेमचंद के ऊपर उनके भी लिखे हुए काफी आलेख हैं या और भी चार छह लोग हैं जो प्रेमचंद के ऊपर लिखते हैं मैं भी प्रेमचंद के ऊपर लिखता हूँ तो वो आपको टुकड़े टुकड़े मिल जाएगा लेकिन प्रेमचंद की जिंदगी नहीं मिलेगी पूरी जीवनी और कोई नहीं है मेरी जानकारी में हो सकता है मैं संशोधन कर लूंगा अगर कोई बताएगा मेरी जानकारी में और कोई पूरी जीवनी उनकी नहीं है बहुत लिखा है गुप्त ने बहुत लिखा है और कमल किशोर गोयनका जी ने तो प्रेमचंद का पूरा जीवन करीब अः Uh, सरी करीब करीब पचपन वर्ष पचपन पचास पचपन वर्ष प्रेमचंद के ही ऊपर शोध कार्य किया है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने और मैं आपको एक बात और बताऊं अभिषेक जी आपके लिए जानकारी की बहुत अच्छी रहेगी इन बच्चों में तो आगे कौन हिंदी से जुड़ा रहेगा नहीं रहेगा पूरे संसार में प्रेमचंद के ऊपर पीएचडी और उस प्रेमचंद के ही ऊपर डीलिट करने वाले कमल किशोर गोयनका जी एकमात्र विद्वान है उनकी पीएचडी भी प्रेमचंद के ऊपर है और डीलिट भी प्रेमचंद के ऊपर है तो प्रेमचंद के विषय में आप कमल किशोर गोयनका जी का साहित्य पढ़ें बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी जी अगला सवाल जी सर जैसा आपने सही भी कहा कि मेरी भी जितनी मैं जानता हूँ प्रेमचंद के लिखकर जी जीवनी का सर जैसा कहा टुकड़ों में बहुतों ने लिखा लेकिन पूरा का पूरा जीवन रखने का काम अमृतलाल सॉरी नाम बोल रहा हूँ अमृत राय अमृत राय अमृतलाल नगर बाहर का दिमाग आ जाता है जी सर जी तो एक विद्यार्थी लिख रही है कि आ, उनकी एक जीवनी श्री मदन गोपाल का कलम का मजदूर है जीवनी नहीं है कलम का जो मजदूर है उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर लिखा है लेकिन वो फर्स्ट रूप में उनकी जीवनी नहीं कहा जीवनी नहीं है एक बड़ा लेख है उनका कलम का मजदूर जी सर वो जी, वो उनका कर, मदन वो उनका लेख भी नहीं है बल्कि मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रही है उन्होंने एक तरह से एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक एक उनके आठ दस पेज है उन्होंने और उसमें कुछ जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपनी अपने साथ ही जोड़ते हुए लिखा है कि वो भी कलम के मजदूर हैं वो प्रेमचंद के विषय में ज्यादा उतना नहीं है जो मुझे आ, अगर मुझे सही याद आ रहा है उन्होंने अपने विषय में कलम का मजदूर जैसे करते हुए लिखा है कि वो भी कलम के मजदूर हैं कलम से मजदूरी कर रहे हैं आप प्रेमचंद उसमें बीच बीच में आ गए हैं लेकिन वो प्रेमचंद का पूरा जीवन नहीं है कुछ पक्ष हैं जी सर आ, एक प्रश्न सर और दीपा जी लिख रही हैं मुझे बहुत अब, जितने प्रश्न है उसमें से ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा मैं पहले यही प्रश्न आपके समझ सकता हूँ जी वो है कि कलम का सिपाही उनके यानी कि प्रेमचंद जी की या हम कहे अमृतलाल राय जी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है तो क्या ये सिर्फ इसलिए इतनी बेहतर इतनी अच्छी कृति है क्योंकि इसके मुख्य पात्र जो है उपन्यासकार महान उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में है लिखा गया है या और भी कुछ इसके रीजन है कि ये अपने आप में इतना महान जीवनी हूँ देखो एक बात सोचो जिसका भी सवाल है क्या नाम है उनका दीपा कुमोदरी जी पूछ रहे हैं अच्छा देखो आप ये बताओ आपके घर में अगर आप जैसे इसको सामान्य से रखिए आपके घर में आपके यहाँ कोई बढ़िया सी चीज अगर कोई आया और उसने देखी या उसको आपने उसको खिलाई या आप कहीं से लेके आए तो आपसे वो पूछता है ना कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई या आपने इसको कैसे बनाया अगर आपने कोई अच्छी चीज बना के खिलाई तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको कैसे बनाया तो जब वो अच्छी चीज के बारे में जब आपके मन में उत्कंठा आती है तब आप उसको बताते हैं कि भाई ये चीज वहां से आई तो कलम का सिपाही क्योंकि वो पात्र ही इतना जीवंत और इतना बड़ा व्यक्तित्व रहा है कि उसके विषय में निश्चित ही समाज में साहित्यिक अविरुचि रखने वाले लोगों में एक जिज्ञासु भाव रहा है जानने का नंबर एक नंबर दो नंबर दो वो यह है कि वह जीवनी उनके पुत्र ने ही लिखी है तो निश्चित रूप से जैसे एक बात और इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिए व्यवहारिक ज्ञान में अगर मुझे ये पता लग जाए कि अभिषेक जी मेरे घर आने वाले हैं तो मैं आराम से नहाऊंगा धोंगा या तैयारी करूंगा दाढ़ी वाड़ी बनाऊंगा और कम से कम कुर्ता पजामा पहनूंगा और मैं अभिषेक जी को ड्राइंग रूम में मिलूंगा मिलूंगा ना अभिषेक जी 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 सर बिल्कुल सर हाँ लेकिन जब मैं घर में हूं तो मैं किस स्थिति में बैठा हूँ बनियान में बैठा हूँ तहमद लपेटे बैठा हूँ दाढ़ी बनाते हुए मैं टीवी देखता हूँ या दाढ़ी बनाते हुए मैं संगीत सुनता हूँ या खाना खाते समय मैं गजल सुनता हूँ है ना या गाड़ी चलाते समय मैं किसको सुनता हूँ या सुबह में घूमने कहीं जाता हूं तो मेरी क्या आदत है तो ये इतनी बारीक चीज या कोई परिस्थिति खराब होती है घर में माँ के साथ और पत्नी के साथ दोनों की स्थिति जब आती है तो मैं कैसे व्यवहार करता हूं तो इसके बारे में मेरे बेटे से ज्यादा सच्ची बात तो आप नहीं बता पाएंगे तो कोई ही अगर मेरे बारे में जानना चाहेगा तो मेरे बिल्डिंग में मेरे अपार्टमेंट से पंद्रह घर दूर जो आदमी रहता है उससे पूछेगा या मेरे बेटे से पूछेगा तो मेरे बारे में ज्यादा सच्ची जानकारी मेरा बेटा या मेरा पड़ोसी दे पाएगा तो कलम का सिपाही की प्रसिद्धि के पीछे मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही यह मत भी रहा इतनी बड़ी रचनाएं देने वाले व्यक्ति का बेटा अगर उसके बारे में बता रहा है तो निश्चित ही वह यथार्थ बताएगा और इस इस द्वंद को इस संकट को अमृत राय ने भी बहुत अच्छी तरह महसूस किया है उन्होंने स्वयं कहा है कि जीवनी लिखना वो भी प्रेमचंद जैसे आदमी की अपने आप में वही एक बड़ी कहानी है बड़ी बड़ा संकट का काम है बड़े कष्ट का काम है और मेरे लिए तो ये संकट और, और बढ़ गया क्योंकि मैं अपने पिता के बारे में लिख रहा हूं है नहीं तो प्रेमचंद जी की यह कलम का सिपाही अमृत राय की यह निश्चित रूप से थोड़ी सी उत्सुकता एक बात लेकिन उससे ज्यादा पाठक के मन में यह विश्वास बैठा हुआ है विश्वास बैठा कि पुत्र ने लिखी है तो ज्यादा सच्ची जानकारी मिलेंगी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो उनके सचिव ने लिखा है वो कथा बिकती ज्यादा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिकती है बहुत अच्छी बात है लेकिन जब किसी का कोई सेक्रेटरी लिखता है किसी का कोई निजी सचिव लिखता है उस व्यक्ति की जीवनी महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग बहुत बिकती है लेकिन भूला महादेव भाई दे, महादेव देसाई ने जो महादेव मेरे, मेरे क्या लिखा है बापू मेरे साथ या बापू के संग ऐसी उनकी जो उनकी जीवनी लिखी वो ज्यादा बिकती है उसको लोग ज्यादा स्ट्राव से पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अंतरंग प्रसंग भी आते हैं जिनको के आत्मकथा लिखते समय आत्मकथाकार साहित्यकार अपने पद प्रतिष्ठा अपनी ऊंचाइयों को अपनी प्रसिद्धि को देखते हुए छोड़ भी देता है या थोड़ा सा साहित्यिक उसमें मुलम्मा चढ़ा देता है लेकिन जीवनी कार्य गलती नहीं करता जीवनीकार वही लिखता है जो उसने उसके साथ जिया है जैसा उसको वो मिला है तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने भी वही रूप लिखा है कि वो क्या क्या उनका स्वभाव रहता था कैसे वो प्रतिक्रियाएं देते थे और यही चीज अमृत राय ने भी लिखी है और उन्होंने कहा है कि मैंने इसको ज्यादा चमकाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मैं तो अपने पिता को क्या चमकाऊंगा मैं तो क्या चमकाऊंगा वो तो खुद इतने बड़े नक्षत्र हैं। मैं तो क्या चमकाऊंगा तो मैंने तो सिर्फ वह लिखा है जो मैंने उनको पाया है जो उनके साथ में जिया जी। जी निश्चित तौर पर सर आ, इसके आगे बढ़ते हुए सर चूंकि प्रश्न वगैरह निरंतर बहुत कुछ आ रहे हैं समय भी होता जा रहा है तो मैं पहले प्रश्न वगैरह को ले लेता हूं सर उसके बाद हम पर चर्चा करेंगे आ, आ एक से पूछ रहे हैं कि कलम के सिपाही की शिल्पगत विशेषताएं का पतित अंश के अंदर पर विवेचन कीजिए अच्छा शिल्पगत विशेषताएं के ऊपर वो हल्का-फुल्का विवेचन और दृष्टि डालने के लिए कह रहे हैं कि तो उसकी शिल्पगत विशेषताएं किस प्रकार की कैसी है आप आप एक काम करिएगा कि आप पहले जब आप जिसने भी ये सवाल पूछा है उनको कहिए लिख दीजिए उनको कि जब आप कलम का सिपाही 600 पेज की है आप उसको समय में बांट लीजिए बीस पेज प्रतिदिन क्योंकि एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे मैं आपको तरीका बता देता हूं जैसे मैं करता हूं देखो मेरा मेरा तरीका देख लीजिए आप और मैं क्या ये देखिए ये पेन नहीं है दिखाई दे रहा है ये पेन नहीं है ये पेन के अंदर से निकाली हुई रिफिल है ठीक है और ये छोटी छोटी लाल लाल पर्चियां हैं ये रिफिल में जहां पढ़ता हूं या अंदर रख देता हूं आप पेन रखेंगे तो किताब फटेगी आप ये रखिए और जहां जहां आप 20 पेज एक दिन में पढ़िए और जहां जहां जो आपको चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर आप लाइन खींच लीजिए साइड में उसका लाइन खींच लीजिए या ऐसी लाल पर्ची लगा लीजिए और जब आप ये काम कर चुके पूरी किताब को पढ़ चुके तो फिर आप जो साहित्यिक कसौटी है शिल्प की उन सारी कसौटियों को आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आप किसी भी कसौटी पर कसके देख लीजिए भाषागत कसौटी पर व्याकरणगत कसौटी पर संवेदनाओं की स्तर पर शुद्धता के स्तर पर किसी भी स्तर पर शिल्प के स्तर पर शैली के स्तर पर किसी भी स्तर पर अगर आप उसको जांचना चाहेंगे उसके शिल्प को वो सारी कसौटी जो आपकी साहित्यिक परिभाषाओं में आती है वो सारी कसौटियों पर आपने खुद ही निशान लगा चुके होंगे तो सारा काम मैं ही थोड़ी करूंगा कुछ आप भी तो करेंगे <laughs> <laughs> क्योंकि देखिए ये तो ये क्या है ये ये आपका युद्ध है ये आपको जीतना है मैं आपको युद्ध के हथियार दे सकता हूँ आपका युद्ध नहीं जीत सकता आपका युद्ध आपको जीतना है जी 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 सर एक विद्यार्थी पूछ कह रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं कि हिंदी जीवनी साहित्य में कलम का सिपाही एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है या बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है तो इस कथन की समीक्षा जी आपसे विद्यार्थी का आग्रह है आ, वैसे तो इस विषय में काफी बात हो गई है क्योंकि जो कुछ है समीक्षा ही है जी लेकिन फिर भी फिर भी दो मिनट इसको आप एक ही मिनट समझिए कलम का सिपाही हिंदी साहित्य में या हिंदी जीवनी साहित्य में एक मील का पत्थर है क्योंकि साहित्य का मूल उद्देश्य होता है हमारी संवेदनाओं को जागृत करना हमारी परिस्थितियों का संवेदनात्मक चित्रण करना हमारे जिए हुए जीवन को शब्द देना हमारे जीवन में जो कुछ है क्षोभ है लोभ है मोह है उत्साह है ईर्ष्या है प्रेम है घृणा है हमारे जीवन से जुड़े हुए जितने पहलू हैं हमारा साहित्यकार जितनी संवेदनाओं के साथ जितनी साफ गोई के साथ जितनी सच्चाई के साथ और जितनी सरलता के साथ उसको अभिव्यक्त कर देता है वह हमारे उतना ही नजदीक का साहित्यकार बन जाता है प्रेमचंद हमारे अपने हृदय के साहित्यकार इसलिए हैं कि वो हमें का क्यों दिखा देते हैं कि हम क्या हैं? वो कोई लाग लपेट नहीं करते वो वो मेकअप करके सामने नहीं आते वो मेकअप करके सामने नहीं आ रहे हैं वो फिल्म नहीं है वो पिक्चर नहीं है वो स्टार प्लस पे चलता हुआ सीरियल नहीं है एक एकता कपूर का वो जैसे हैं मेरे समाज में जितनी परेशानियां हैं जितनी कमजोरियां हैं, जितनी नाकामियां हैं, जितनी सफलताएं हैं, घृणा है, है द्वेष है प्यार है अपवाद है हत्या है बलात्कार है जो कुछ भी है वो प्रेमचंद ने बिना किसी सनसनी को पैदा किए अगर वो समाज की विद्रूपता को भी दिखा रहे हैं तो सनसनी नहीं पैदा कर रहे हैं वो तो जैसा है वैसा है अगर वो प्रेम दिखा रहे हैं तो प्रेम का श्रृंगार रस में वर्णन नहीं कर रहे हैं अगर वो सीधे सीधे बात जो कर रहे हैं वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं वो रीतिकालीन कवियों की तरह बात नहीं कर रहे हैं वो रीतिकालीन कवियों की, की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रेम दिखाने के लिए विश्वास दिखाने के लिए वो तो हिरणी के सींग की नोक से नाक को नहीं वो आंख की कनिका को नहीं पलटवा रहे हैं ना वो सीधी सीधी बात तो हमारे आज के दौर के एक गजलकार हैं दीक्षित धनकोरी जी उनकी एक बहुत प्यारी गजल है वो दो लाइन आप सुनिए आपको समझ में आ जाएगी कि प्रेमचंद क्यों क्यों आपको या मुझको इतने क्यों प्रिय हैं कि वो लिखते हैं कि या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ भाई आप जिसके बेटे हैं आप जिसके पिता हैं आप जिसके पति हैं वो क्या आपसे ये कहता है कि नहीं आप थोड़ा सा यहां से आ, 100 ग्राम कम होते और यहाँ 500 सौ ग्राम ज्यादा होते तो बड़े अच्छे थे कोई ऐसा कहता है नहीं आप जैसे हैं उनके पति हैं उनके पुत्र हैं उनके भाई हैं उनके मित्र हैं जैसे हैं तो प्रेमचंद की स्वीकार्यता का साहित्यिक स्वीकार्यता का अर्थ यही है और बल्कि और भी कहीं मैं आपको वो संदर्भ आप कहीं बाद में चाहे दे दूंगा प्रेमचंद के जीवन में यदि किसी विवाहेतर संबंधों की भी चर्चा है तो वो उनका अपना जीवन था है, है। नहीं। तो उनका कहना क्या है दीक्षित धनकौरी जी का कि या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ और या छोड़ दे मुझे मेरी तनाइयों के साथ और मुमकिन नहीं है आप हो कामयाब ही जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ तो प्रेमचंद का जो साहित्य है वो नाकामियों के साथ भी जीता है जीवन से भागता नहीं है वो आपको कहीं भी पलायनवाद का रास्ता नहीं दिखाता है आपको कोई चीज बहुत काट छाट के बहुत स्टाइलिश स्टाइल में फाइव स्टार होटल की तरह नहीं परोसता है सलाद काट के अरे टमाटर भद्दा है तो टमाटर ही देगा आपको ऐसा साबुत यो का त्यों मिट्टी लगा हुआ आपको देगा ये आपकी अपनी चेतना वैज्ञानिकता समझ ये उसके ऊपर है कि आप उसको कैसे लें जो की त्यों नीचे दरिया जो समाज था वो आपको ऐसा का ऐसा उन्होंने सौंप दिया अब यह आपकी संवेदनाओं के ऊपर है कि आप उससे कितना स्पंदित होते हैं आपके ऊपर उससे क्या फर्क पड़ता है ये आपके ऊपर है उन्होंने लोहा गरम कर दिया ये आप लोहार हैं ये आप जानियो कि आपको उससे चाकू बनाना है या ताला बनाना है या बक्सा बनाना है या चाबी बनानी है तलवार बनानी है जो कि काटने का काम करेगी या सुई बनानी है जो सीने का काम करेगी प्रेमचंद का काम लोहा गर्म करना था उन्होंने वो आपको दे दिया इसीलिए कलम का सिपाही जीवनी साहित्य की और प्रेमचंद का साहित्य भारतीय साहित्य का हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा जीवन निर्माता संग्रह है वहां से जीवन बनता है वहां से गांव बनता है वहां से देश बनता है वहां से भारत बनता है जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अंत में चूंकि विद्यार्थियों का प्रश्न लगभग लगभग क्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है एक विद्यार्थी ने मुझसे आग्रह किया है कि अपना माइक को अनम्यूट करके आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं सागरिका जी तो अगर सागरिका जी आप मुझे सुन रही हो आप अगर हो इस क्लास में तो अपने तो माइक को अनम्यूट करके जो भी आपका प्रश्न है सर के रखे, अंतिम प्रश्न में लूंगा क्योंकि इस जीवनी पे हम और एक कक्षा आने वाले सप्ताह में हम और एक कक्षा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जीवनी आज खत्म हो जाती है ये तो हमने सर ने जैसा कहा कि हमने उसकी रूपरेखा ऊपरी आवरण की बात की जीवनी के अंतर्गत बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे इसलिए इस कक्षा की चूंकि समय भी अधिक हो गया सर जैसे साढ़े बारह तक का समय होता है और चूंकि ऑफिस वगैरह भी मॉर्निंग चल रही है तो हमारे टेक्निकल टीम को भी समय फिक्स रहता है सर इस वजह से मैं अंतिम एक प्रश्न के लिए सागरिका जी को आमंत्रित करता हूँ वो अपने माइक को अनम्यूट करके जो भी उनके प्रश्न है सर के समक्ष रखें। सागरिका जी जी सर सर नमस्ते सर राजीव सर नमस्ते जी नमस्ते सर पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से समझाते हैं विद्यार्थियों को और बाकी जो ज्वाइन है और अच्छा लगता है और स्माइल स्माइल फेस में बहुत स्माइल रहता है आप जिस अंदाज में समझाते हैं तो लेकिन मेरा प्रश्न अच्छा आ, जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी सर प्रश्न तो नहीं है कोटेशन लेकिन है मैं, लेकिन मैं इससे परेशानी पड़ जाता हूँ जी वो परेशानी ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हंस रहे हो मैं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है जिनको नहीं समझ में आता हो वो ऐसे ही बोलेंगे सर हमको तो समझ में आ रहा है जी 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 सर प्रेमचंद जी के बारे में बात की जा रही है तो उनके कोटेशन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी वो खुद ही बोले हैं समझ समझना चाहती हूँ प्रेमचंद जी ने खुद बोला है कोटेशन है उनकी खुद की लिखी हुई कहते हैं कि जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा कह जाती कहलाती हैं और हाँ, जो नारी में पुरुष के जा, आ जाते जा 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 हैं तो उल्टा हो जाती है उल्टा परेशान हाँ. तो आप क्यों परेशान है आप नारी हैं हम आप वो आपसे थोड़ी कह रहे थे प्रेमचंद तो किसी से कह रहे होंगे नहीं नहीं, नहीं उसका देखो, अरे देखो भाई देखो ऐसा है सागरिका जी ये प्रेमचंद के उस युग का सत्य है नंबर एक बात ठीक है तो एक तो हम उस युग के सत्य को आज नहीं ला सकते जैसे आज 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 कोई जी अग्नि परीक्षा थोड़ी दे सकती है या कोई आज कोई रामचंद्र जी वन को थोड़ी जा सकते हैं चौदह साल अपने भाई को सारी संपत्ति राजपाट सौंप के तो वो प्रेमचंद का युग का सत्य था ठीक है हाँ मोटे तौर तो पर यदि आप इसको बिना स्त्री और पुरुष के और युवा आज के युगीन बोध को अगर आप किनारे रखें और समझना चाहें तो उनका कहना मात्र ये है कि प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने दो रचनाएं की स्त्री की और पुरुष की तो प्रकृति का सोचना यह था प्रकृति का जो अपना मन रहा उसने क्या किया कि प्रकृति ने दोनों लोगों को एक एक ही चीज से बनाया दोनों अलग अलग नहीं बनाए उसने बनाई एक ही चीज और उस चीज में से फिर दो कर दिए बस इतना किया उसने और कुछ नहीं किया उसने और कुछ नहीं किया और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं संपूरक हैं दोनों ही अधूरे हैं दोनों ही अधूरे हैं दोनों मिलने पर भी पूरे पूरे होते हैं अच्छा ये हो गई एक बात इसके अगली बात क्या है मानव का हमारी अध्यात्म परंपरा ने मानव के लिए कहा कि वह विकास करते करते देव हो जाए मोक्ष मिल जाए उसको वो देवत्व को यानी परम मानव के पद को पा जाए तो इसमें उनका कहना मात्र ये था कि जो नारी मुक्ति के नाम पर नारी ने अपना स्वभाव अपनी जो स्वभावत जैसे नारी को प्रकृति ने माप बनने का सौभाग्य दिया अब नारी ने प्रगतिवाद की आड़ में या प्रगतिवाद की होड़ में या प्रगतिवाद के अंधड़ में प्रदर्शन को अपना लिया श्रृंगार को अपना लिया भौतिकवाद उसके जीवन का ध्येय बन गया किसी भी रूप में उसे जीतना है ऐसा ध्यय बन गया उसने मां बनना स्वीकार नहीं किया उसने स्तनपान कराना स्वीकार नहीं किया उसने ये सब चीजें आप इसको अब इस लाइन में जो मैंने थोड़ा सा आपसे संकेत रूप में कहा है आप इसमें कुछ भी सोचते जाइए तो नारी ने जो पुरुष के व्यवहार को जो स्वीकार करना या उस दिशा में बढ़ना शुरू किया तो नारी का नारी स्वरूप से प्रकृति की नारी से जो अपेक्षा थी उससे थोड़ा गिरावट शुरू हो गई पतन शुरू हो गया तो मैं इसमें कोई भी मेरी बात को पुरुष सापेक्ष या नारी विरोध की ओर ना समझे क्योंकि आपने प्रश्न किया है मैं इसी और आ, क्योंकि इस आज के विषय का भी नहीं है पर क्यों कि प्रेमचंद की इस विषय में काफी आलोचना होती है तो मैं इसलिए इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रेमचंद ने परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नारी और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है यदि दोनों ही लोग घर से बाहर निकल जाएंगे अर्थ उपार्जन करने के लिए तो फिर परिवार कौन संभालेगा बालक कौन पालेगा वो जो बालक अगर आयाओं की गोद में पलेगा या क्रैच में पलेगा वो कितना वंचित होगा स्नेह से जो माँ एक अपने बच्चे को देगी क्या वो एक आया देगी नहीं तो प्रेमचंद का आशय सिर्फ इस ओर था कि नारी को अगर पुरुष वाले कामों की ओर अगर वो बढ़ जाएगी तो वो गर, परिवार सबके लिए अच्छा नहीं होगा और पुरुष के लिए यह था कि पुरुष जो स्वभावत है थोड़ा सा अहंकारी है थोड़ा सा थोड़ा सा क्रोधी है अगर वह नारी के गुणों को अपनाने लग जाएगा तो उसके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी उसके अंदर धीरता बढ़ेगी उसके अंदर परिश्रम करने की और क्षमता सहनशीलता बढ़ जाएगी तो वो निश्चित देवत्व की ओर बढ़ने लगेगा यह उनका आशय था इसमें कोई उनका नारी को कम तर करने का और पुरुष की महिमा का कोई आशय नहीं है उनके कोटेशन का और वो शब्द सिर्फ इसलिए प्रयोग किया गया है कि वो थोड़ा सा स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए और पीछे की ओर कदम आए जिससे कि हमारा घर परिवार समाज ये व्यवस्थाएं भंग न हो क्योंकि प्रेमचंद के कई पात्रों में उन्होंने इस बात को कहा है कि जहां जहां इन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है वहां घर टूटा है बचपन अभागा हुआ है परिवार टूटे हैं तो प्रेमचंद उस ओर इशारा करना चाहते हैं जी जी सागरिका जी उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो सागरिका जी अगर आप सुन रही हो तो हेलो सागरिका जी हेलो जी लगता है सर कोई बात नहीं, नहीं। सर चूंकि समय भी हो गया और एक चीज मैं पहले जोड़ उसके बाद मैं कक्षा को खत्म करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कक्षा के उपरांत विद्यार्थी निरंतर मेरे को जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी जो कोर्स का उस पर विद्यार्थी निरंतर मुझे यही पूछते हैं कि आपकी अगली कक्षा कब होगी इस विषय पर जो उनका फिक्स प्रश्न है जो आना ही आना है तो मैं आपको पहले बता दूं कि सर से बात करने के उपरांत और जो भी शेड्यूल है उसे देखने के बाद सर की अगली कक्षा जब भी निर्धारित होगी मैं आपके पूछने से पहले ग्रुप में आप लोगों को सूचित कर दूंगा इसका मैं वादा करता हूँ ताकि मैं विद्यार्थी खास कब होगी तो सर बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद पुनः एक बार बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने अपना समय निकाला समय दिया क्योंकि कक्षा अच्छा का समय एक गंटा, एक गंटा, देर, देर का एक घंटा एक घंटा डेढ़ घंटे का ज्यादा से ज्यादा होता है उसके बाद भी निरंतर आधे घंटे तक विद्यार्थी भी बने हुए उनके प्रश्न आ रहे हैं तो ये सर आप माने ना माने सर ये आपके संप्रेषण कौशल का ही परिणाम है कि निरंतर बने हुए हैं सर तो इसी उन लोगों का जी जी सर इसीलिए सर अपना आशीर्वाद बहुत -बहुत आपका, तो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया इतनी अच्छी व्यवस्था की मिलते हैं अगली कक्षा में धन्यवाद धन्यवाद सर सर थैंक यू सर देवासी सर जॉइन करवा लगे थैंक यू सर थैंक यू सर सर मुझे स्टॉप का रिकॉर्डिंग करूं चाहे आप उनको पाके जीव